ओके ठीक है, तो हम लोग ये समझते हैं पहले कि हम लोग ये जो बीम क्या है, पहले ये तो हमको समझने की जरूरत है ना, बीम में इंटर्नशिप करने से पहले बीम है क्या। सौरभ गुप्ता और रिजवी, आप लोग अपना क्या बोलते हैं कैमरा ऑफ कर देंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। कैसे होता है कि उससे बाकी लोग देखेंगे। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, कैमरे को बंद कर दीजिएगा। चलिए तो एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, एज अ टीचर आपको रिक्वेस्ट इसलिए करना है क्योंकि बताया ना रील्स की दुनिया है, तो कोशिश करना कि ज्यादा आपका समय नहीं लेना है, 25 से 30 मिनट ही लूंगा। तब तक आप अपने आप का पेशेंस बना के चीजों को सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि अधूरा नॉलेज हमेशा दूसरे तरफ लेके जाता है, दूसरा तरफ विनाश का रास्ता होता है, जो कि सत्य है। तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि बीम है क्या, ठीक है। तो बीम क्या हो रहा है कि भाई देखो, अभी आज के टाइम में जितना भी काम हम लोग ऑन साइट करा रहे हैं बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा है सारा काम, एकदम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। आप एक छोटा सा घर बनाते हो, ठीक है, आपका घर कितना कॉस्टली पड़ जाता है ना, क्यों कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि हर एक मटेरियल बहुत महंगा है। आप छोटे से घर की बात करो, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट अगर करना है कोई, ठीक है, माइक प्लीज ऑफ रखना, ठीक है, आपको माइक ऑन करने का बिल्कुल समय दिया जाएगा, बीच में करोगे तो आपको दिक्कत जाएगी। ओके ठीक है, कोई भी किसी का भी कुछ छूटेगा तो टेंशन मत लेना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपके रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जब जब कोई भी चीज ऑन साइट कर रहे हैं और करने के बाद हमको पता चल रहा है कि यार इस चीज में ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या रहा है, इस चीज में ये प्रॉब्लम आ रहा है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। तो जैसे कि आपने सपोज पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद पता चला कि यार इसका जो क्या बोलते हैं लुक है, जो इसका एस्थेटिक व्यू है, वो अच्छा ही नहीं है। आपने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद पता चल रहा है कि यार यहाँ पर ड्रेनेज का सिस्टम सही है ही नहीं। प्रोजेक्ट बना लिया, बाद में पता चल रहा है कि जो आपकी डक्टिंग की पाइप है उसको पार्किंग के अंदर से ले ही नहीं जा सकते, क्योंकि पार्किंग की हाइट इतनी है कि अगर डक्टिंग लेके जाएंगे तो गाड़ियां नहीं जा पाएंगी। ऐसे कई ढेर सारे प्रॉब्लम्स आपको कब पता चलते हैं, ऐसे ढेर सारे प्रॉब्लम्स पता चलते हैं बनने के बाद, और ये प्रॉब्लम्स को दोबारा, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक बार मोबाइल को खोल के फिर से लगाना, इसको बनाना, ये तो आसान है, लेकिन एक बिल्डिंग के काम को एक बार अगर वो गड़बड़ हो गया तो उसको फिर से ठीक करने में जो खर्चा वो निकलता है और जो फिनिशिंग आनी चाहिए वो आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आप एक बिल्डिंग है, पोर्च है, तोड़ दिया आपने, तोड़ के फिर से बना रहे हो, अब उसको बनाना बड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि वो लुक उस तरीके से आएगा नहीं, वो फिनिशिंग उस तरीके से आएगी नहीं, तो इसमें आपको क्या होगा, आपका नुकसान होगा। तो ये सब नुकसान ना हो आपका, इसके लिए देखो क्या होता है, बीच बीच में लोग आ रहे थे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, 10 मिनट तक बोला है तो 10 10 तक वेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में आएंगे तो उसमें टिन 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 आवाज आती रहेगी, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जब एस्थेटिक जो इतने ढेर सारे हम लोग बनाते हैं, उसके बाद बनाने के बाद पता चला यार क्लाइंट इसलिए पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो क्या बोलते हैं लैंडस्केपिंग वर्क है वो अच्छा नहीं है। अब आपने लैंडस्केपिंग में ऑलरेडी 5 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया है, अब कोई बोल रहा है कि इसमें वो चीज नहीं है, ठीक है। आपने स्विमिंग पूल बना दिया, लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है स्विमिंग पूल, ठीक है। ऐसे कई ढेर सारे, गिन के ढेर सारे प्रॉब्लम्स बनती हैं जब आप एग्जीक्यूट करवा लेते हो। आप अपने घरों में देखो, घरों में जब खिड़की लगा लेते हो बाद पता चला यार ये खिड़की यहाँ अच्छी नहीं आ रही, खिड़की सेंटर में लगी होती तो बड़ा अच्छा रहता, बाद पता चला यार ये जो हम लोग ने इधर जो एलिवेशन का पोर्च निकलवाया है, यहाँ पर जो रेलिंग लगवाया है, रेलिंग इस तरीके से नहीं है जैसे हमको चाहिए था। आपके घर में इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती है, और सोचो ये तो घर तो मैनेज करना आसान है क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट, इसके आसपास ही हमारा घर रहता है। तो ये चीज जब किसी सोसाइटी की बात होती है जहां पर 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 6 एकड़, 10 एकड़ में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, 20 एकड़ में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वहां पर जब प्रॉब्लम्स आती है, प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग फिक्स हो चुकी है, ये फिक्स हो चुका है कि इतने में सेल करना है, इतने में बनाना है, अब उस समय पर अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो बहुत ढेर सारे टाइप्स के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और बजट गड़बड़ हो जाता है, पजेशन डेट फिक्स हो चुका है। आपको पता है रेरा के रूल्स आ चुके हैं, कुछ लोग को शायद ना पता हो रेरा के बारे में, तो रेरा के रूल्स में फिक्स है कि इतने तारीख को आपको पजेशन देना पड़ेगा, उतने तारीख से जितने दिन आप लेट करेंगे उतने दिन का आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा सामने वाले को। तो ऐसे बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम्स की वजह से आज के टाइम में ये फिक्स करना बहुत जरूरी है कि कितने लाइक जो भी हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कितने दिन में हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, कितने दिन में पोजीशन दे देंगे। अगर पोजीशन देने में आपको 6 महीना भी लेट हो गया तो ये समझिए कि आपकी पूरी की पूरी जो मार्जिन है उसका बहुत ज्यादा परसेंट लॉस में चला जाएगा। अभी मैं बीम के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ,
आपको एक रियल लाइफ का जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि आप जब किसी चीज को पहले से प्लान करके नहीं रखते हैं तो चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो के आता है। जैसे हम लोग करियर को प्लान करते हैं, प्लान नहीं करते ना करियर को कभी कभी, तो बाद में पता चलता है यार अब क्या करूँ अब क्या करूँ। कई कई लोग तो 10 10 साल एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर सोचते हैं यार अब इसमें मुझे बनाना चाहिए करियर की इसमें बनाना चाहिए। 10 साल चल चुके हैं, इतना चलने के बाद पैदल 10 साल पैदल चलने के बाद सोच रहे हैं आप किधर जाऊं इधर जाऊं किधर जाऊं किधर जाऊं किधर जाऊं। इसका मतलब क्या है, अगर यही प्लानिंग पहले हो गई होती तो शायद इतना प्रॉब्लम्स नहीं आती। ठीक है, मान लो एक बार गलती हो गई, बट बार बार अगर गलती किया है और 10 साल बाद भी अगर हमारी सैलरी वही 30,000 40,000 50,000 है, तो इसका मतलब है हमने प्लानिंग नहीं किया है। तो बिल्डिंग में भी गैस ऐसे ही प्रॉब्लम होता है। ऑन साइट कभी कभी ऐसा होता है कि फुटिंग सही से लगी ही नहीं, फुटिंग जैसे लगना चाहिए उसमें रेनफोर्समेंट जैसा लगना चाहिए वैसा लगा ही नहीं। ठीक है, अब वो स्ट्रेंथ ही नहीं आया, बाद में पता चला गड़बड़ हो गया। कई जगहों पर ऐसा होता है कि वहां पर सनलाइट ही नहीं आई, क्यों, क्योंकि आपने एनर्जी एनालिसिस किया ही नहीं था। तो बाद में पता चला कि वो फ्लैट सेल इसलिए नहीं हो रहे हैं कि उस फ्लैट में सही से तरीके से सनलाइट नहीं आ रही है, और सनलाइट नहीं आने के बाद आप कई ढेर सारे आपको रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं कि ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम हो रही है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने जो बनाया हुआ है बिल्डिंग्स, उस बिल्डिंग्स पूरी तरीके से एक बिल्डिंग का एलिवेशन हाइट हो गया है दूसरे बिल्डिंग के कारण, पहले पता नहीं चला बनवा दिया। तो ऐसे कई ढेर सारे प्रॉब्लम्स ऑन साइट आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक सही तरीका क्या है पता है? सही तरीका यह है कि पहले उन प्रॉब्लम्स को हम कहीं एक जगह पर एक ऐसे कोई कॉपी में बना के देख ले कि क्या 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 कैसे कैसे आएगा। बट अब किसी कॉपी में किसी रफ में बनाना ये पॉसिबल नहीं होता इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मतलब ऑन साइट जो चीजें होने वाली है, जो चीज होंगी स्टेप वाइज, उन सारी चीजों को अगर हम लैपटॉप पे कर ले तो क्या होगा भाई? अगर लैपटॉप पे अगर कर लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, आपने दिखाया अपने कंपनी में अपने टीम को भाई ऐसा ऐसा हमने एलिवेशन प्लान किया हुआ है, चार ने बोला यार क्या बकवास बनाया हो, ठीक है कोई बात नहीं डिलीट करो दूसरा बना लो। यहाँ पर कोई खर्चा हुआ क्या? नहीं, कोई खर्चा नहीं हुआ। जो खर्चा हुआ वो 2 4 दिन की मेहनत खर्चा हुई। ठीक है, उसके बाद पता चला कि प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग, मतलब आप प्रोजेक्ट सेल कर रहे हो 1 करोड़ में और आपका प्रोजेक्ट बन रहा है 80 लाख में, क्या फायदा है? ऐसा प्लान करो कि ऐसा मटेरियल यूज करो कि एक चीज जो 80 लाख में होने वाली है आ जाए 50 लाख 60 लाख में। क्यों? क्योंकि 50 लाख में अगर बन के रेडी हो रहा है, 10 लाख 20 लाख मार्केटिंग को गया, फिर भी कंपनी को 30 लाख पर फ्लैट तो सेल बच रहा है ना। ठीक, इस तरीके कई ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपने बेच तो रहे हो करोड़ में, ठीक है, और आपने जो बाथरूम में जो फिटिंग दिया हुआ है एकदम सबसे लो क्वालिटी का है, मैं किसी कंपनी का नाम इसलिए नहीं लूंगा, किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो किसी का मतलब आपने एक बहुत नॉर्मल फिटिंग कर रखी और 1 करोड़ का फ्लैट बेचने आ रहे हो, मार्केटिंग वाला लोगों को लेके आ रहा है, बोला सर आपको ऐसा ऐसा करके देंगे, वो भी हंस रहे हैं कि आपने इतना सस्ता वाला मटेरियल यूज किया हुआ है और आप बोल रहे हैं 1 करोड़ का फ्लैट सेल ही नहीं हो रहा है। अब एक बिल्डिंग एक फ्लैट की बात होती तो ठीक है, टोटल 2,000 फ्लैट है, अब क्या सब में चेंज करोगे आप पूरा का पूरा बाथरूम की फिटिंग? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपने किचन दिया, किचन को सही तरीके से डक्ट ही नहीं दिया, अब स्वाभाविक सी बात है एक बार अगर लोग बोलना स्टार्ट किए कि गड़बड़ है ये गड़बड़ है ये गड़बड़ है गड़बड़ है, तो पूरा का पूरा आपको कितना बड़ा लॉस होगा। तो ये सारे लॉस ना हो इसके लिए पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरा एक वॉक थ्रू बना लो कि ऐसे ऐसे दिखेगा ये ग्राउंड, ऐसा दिखेगा लैंडस्केपिंग, ऐसा दिखेगा एलिवेशन, ऐसा दिखेगा बालकनी, ऐसा दिखेगी सनलाइट, इधर से आएगी तो इतना धूप रहेगा, इधर से आएगा तो इतना धूप रहेगा, ड्रेनेज के लिए इस तरीके से पाइप का लेआउट करेंगे, गैस के लिए इस तरीके से पाइप का लेआउट करेंगे। मतलब एक स्मार्ट बिल्डिंग को बनाने के लिए, एक स्मार्ट बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले से एक पूरी पूरी प्लानिंग कर लेना कितना अच्छा होगा। ये ऐसे ही हो गया जैसे कि आपने अपने कैरियर को पूरी तरीके से प्लान कर दिया, फिर अपने कैरियर को बनाना स्टार्ट कर दिया। अब प्लान में कुछ गड़बड़ है, आपने मुझे दिखा दिया, किसी अपने सीनियर को दिखा दिया, सर मैं ऐसा ऐसा करना चाह रहा हूँ, मैंने बोला भाई ये गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा हुआ है। तो ऐसे ही जो भी चीज ऑन साइट हो रहा है उसको पहले लैपटॉप पे करो, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करो, एक मॉडल के माध्यम से करो और उस मॉडल को इंटेलिजेंट बनाओ। तो 3D इंटेलिजेंट मॉडल जो बनता है उसी को वी मॉडल बोलते हैं, 3D इंटेलिजेंट मॉडल। अब वो लोग सर वो मैंने स्कूल में अपने, सॉरी कॉलेज में, स्कूल में नहीं कॉलेज में अपने एक सॉफ्टवेयर सीखा हुआ था, उस सॉफ्टवेयर में भी हमने 3D बनाना सीखा था, क्या वही 3D बनाना ही बीम है? नहीं, ठीक है 3D बनाना बीम नहीं है, 3D इंटेलिजेंट मॉडल बनाना है। इंटेलिजेंट मॉडल का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट मॉडल का मतलब होता है जिसके अंदर ढेर सारी डिटेलिंग्स इन्वॉल्व हो,
जिसके अंदर स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर मटेरियल के डिटेलिंग्स इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर कॉस्टिंग इन्वॉल्व हो, बीबीएस इन्वॉल्व हो, जो खुद से सेंस कर सके कि कौन सी चीज कैसे कैसे दिखेगा, उस मॉडल को बोलते हैं क्या, बीम मॉडल बोलते हैं। तो उसी बीम मॉडल की पूरी एक ट्रेनिंग होती है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। होप बीम थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब ये बीम डिमांडिंग क्यों है, पहले ये समझते हैं। तो बीम डिमांडिंग इसलिए है, गुड इवनिंग वैभव, बीम डिमांडिंग इसलिए है क्योंकि गाइस आज के टाइम में हर कोई इन्वेस्ट करने से पहले चाहता है एक बढ़िया सा मॉडल बना के चेक कर लो भाई, जो लफड़ा हो पहले से दिखा दो। दूसरी चीज, आज आज सपोज मैं एक बिल्डर हूँ, ठीक है, हम लोग भी छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन करते हैं, बट मैं बिल्डर नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन अभी छोटा होता है। 2023 में हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है, मुझे प्रोजेक्ट का पोजीशन देना है 2026 में। अब प्रोजेक्ट को स्टार्ट जब कर दिया मैंने, मेरे को पैसा चाहिए ना 2026 तक पूरा कंप्लीट करके देने के लिए। अब मैं पैसा कैसे पाऊं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अपने मार्केटिंग टीम को बोलूंगा। क्या बोलूंगा मार्केटिंग टीम को, कि देखो भाई इस तरीके का मॉडल हम लोग पूरा का पूरा बना रहे हैं और इसको तुम लोग जाके मार्केट में सेल करो। अब वो मार्केट में गए, उन्होंने बोला इतने का मैं सेल कर रहा हूँ, कोई खरीद ही नहीं रहा है। क्यों, लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि क्या चीज बन के दिखने वाला है। मैं कैसे पैसे लगा दूं, अभी से 60 लाख रुपए का एक 2 BHK आप सेल कर रहे हो, कैसे ले लूं। लेकिन वहीं पर क्या किया आपने, आप बिल्डर हैं, मतलब सपोज मैं बिल्डर हूं, और मैंने क्या किया, एक बीम की टीम हायर किया। मैंने बोला एक बढ़िया सा बीम का मॉडल बनाओ, एक अच्छा सा उसका वॉक थ्रू रेडी करो, और लोगों को एक थिएटर में लगा दिया। कई लोगों ने अगर अपार्टमेंट वगैरह खरीदने गए होंगे तो देखा होगा, एक थिएटर जैसा बना देंगे और वहां पर आपको बैठा दिया, बोला कि आप इमेजिन करो कि आपका फ्लैट सामने है, आपकी सोसाइटी कैसे दिखेगी। अब वो पूरी की पूरी पिक्चर वो देख रहा है, अच्छा ऐसे एंट्री करेंगे, यहाँ पर हमारी पार्किंग होगी, यहाँ पर हमारे बच्चे खेलने जाएंगे, स्कूल बच्चों के लिए प्ले स्कूल यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर डॉग्स के लिए रहेगा, यहाँ पर गार्डन रहेगा, ये जिम रहेगा, यहाँ पर स्विमिंग पूल रहेगा, अच्छा मेरे फ्लैट से ऐसा 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 व्यू दिखेगा, पूरा रियलाइज कर रहा है। अब आसान है या फिर पहले आसान था बुक करना, अब लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा फ्लैट अच्छा बन रहेगा, ऐसा बन रहा है तो बेस्ट है। तो आपने एक बढ़िया सा बी मॉडल बनाने के बाद बुकिंग अपने आप इतनी ज्यादा हो जाती है कि 2026 तक की जरूरत ही नहीं है, 2023 में ही इतनी बुकिंग मिल जाएगी कि उसी बुकिंग के पैसे से पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा जब कोई फ्लैट तुरंत बिक जाता है तो वही ज्यादा बेनिफिट है एज कम्पेयर टू कि बहुत दिन बाद बिक रहा है या फिर 5 साल बाद बिक रहा है, तो फिर बिक ही नहीं रहा था, हमने लो रेट किया फिर बेच रहे हैं, तो बिल्डर को लग रहा है इससे बड़ा फायदा हो रहा है। तो हर एक बिल्डर इसको एडॉप्ट कर रहा है, हर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी इसको अडॉप्ट कर रही है। उसके अलावा फॉरेन में कई कंपनियां चाहती तो है कि इसको अडॉप्ट किया जाए, बट उनको महंगा पड़ रहा है, तो क्या कर रहे हैं, वो इंडिया में कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर डेफिनेटली वहां के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सैलरी देंगे आधी सैलरी से भी कम सैलरी में यहाँ पर लोग खुश होकर काम करेंगे। तो कई ढेर सारी कंपनीज वहां के यहाँ पर 4.8 5.8 दे दे रहे हैं, यहाँ के बच्चे खुश है, 5.8 उनको ज्यादा लग रहा है, उनके लिए 5.8 कुछ नहीं है। तो इंडिया में कॉन्टेक्ट करके, और कई ढेर सारे तो ऐसे दोस्त भी हमारे कि वो लोग बाहर जाके वहां पर काम ले रहे हैं और यहाँ से काम करा रहे हैं, काम करा के भेज रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काम भी लोग कर रहे हैं। उसके अलावा बीम के अंदर एक और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी कंपनी में तो जो जॉब कर ही रहे हो, इसके अलावा आप ऑनलाइन अपनी खुद की क्या बोलते हैं फ्रीलांसिंग अकाउंट बनाया, freelancer.com पे, fiverr.com पे, वहां पर आराम से अपने काम को एक बढ़िया सा जो भी आपने काम किया पोर्टफोलियो बनाया डाल दिया, बिडिंग कर रहे हैं लोग, काम डाल रहे हैं, आपको लोगों से कांटेक्ट हो रहा है, लोगों को आपका काम जैसे ही अच्छा लगेगा दे आर गोइंग टू हायर यू, और फिर आपको ऑनलाइन ही काम दे रहे हैं, $10 पर आवर भी दे रहे हैं, तो आपको 800 रुपये पर घंटे मिल रहे हैं। 2 घंटे भी काम कर लिए, हमारे कई स्टूडेंट्स करते हैं 2 घंटे भी काम कर लिए तो 1600 1800 रुपये यहाँ से मिल गया आपको। ऊपर से क्या बोलते हैं जो आपकी सैलरी है 35,000 40,000, वो एक अलग सीन बन रहा है, ठीक है। तो यही बीम है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ा अच्छा चीज है, मतलब सीखना चाहिए इसको डेफिनेटली, तो अब इसको सीखेंगे कैसे, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए जो हम लोगों ने 4 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम किया हुआ है, ये बेसिकली इंटर्नशिप प्रोग्राम इन द सेंस कि हमारी मेंटरशिप के अंदर सीखने की प्रोग्राम है एक्चुअली है। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब हम किसी चीज को सपोज आप अगर कई लोग जिम वगैरह जाते होंगे, मैं नहीं जाता बट कई लोग जिम जाते होंगे, अगर जिम में आपके पास एक गाइड है डेफिनेटली आपको जल्दी बेनिफिट होता है, अच्छा बेनिफिट होता है। उसी तरीके से जब आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में अगर कोई टीचर रहता है तो आप जल्दी से चीजों को सीख पाते हो, क्योंकि टिपिकल कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजों को लेके हमने भी आपको 4 महीने अपने अंडर में रख के ढेर सारी प्रैक्टिस करा के, राहुल अपना वीडियो ऑफ कर देना भाई, तो प्रैक्टिस करा के एज अ फ्रेंड आपको प्रैक्टिस करा के आसान भाषा में आपको डेली मैं यहाँ पर टास्क देता हूँ, डेली आपके टास्क को चेक करता हूँ, हफ्ते में एक दिन आपको फेस टू फेस आपका इंटरव्यू लेता हूँ,
जिसमें इंटरव्यू में ढेर सारे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पूछता हूँ जो जो कंपनी में पूछ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि क्वेश्चंस लाइक हर हफ्ते होते हैं, और हर हफ्ते के अलावा यहाँ पर जैसे 20 बच्चे अगर हमारे क्लास में हैं, एक बच्चे से 5 क्वेश्चन पूछा तो 20 बच्चों से मिला के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ हर क्वेश्चन यूनिक रहे, मतलब अलग अलग रहे। तो 100 क्वेश्चन हर हफ्ते आपके रेडी होते हैं, महीने में 400 क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं, और 4 महीने में आप इमेजिन कर लीजिए कितने क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। मोटा मोटा अगर 1,000 भी क्वेश्चन रेडी हो गया, उसके बाहर से कुछ पूछ नहीं सकता इंटरव्यूअर, ये तो मैं लिख के देता हूँ। प्रॉब्लम क्या होती है इस इंटर्नशिप में, क्योंकि यहाँ पर डेली काम करना है सबसे गंदा चीज है, मतलब डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अब क्या होता है इसमें, लोग कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देते हैं अपने, उनको लगता है यार कंफर्ट वाला कुछ चीज बताओ, ये तो रोज वाला नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आज मैं काम दूंगा, कल आपको सुबह सुबह चेक करूंगा, और उसके बाद चेक करने के बाद जो एरर रहेगा तुरंत बताऊंगा, जो प्रॉब्लम है वो तुरंत बताऊंगा। उसके अलावा आपको क्या बोलते हैं, तो आधे घंटे का सीन होता है ये। इसके बाद हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि देखो भाई ये चीज को पढ़ना है, तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि BIM 360 है, स्कैन टू बीम है, LOD है, Level 1, Level 2, Level 3 है, ऐसे कई ढेर सारे टॉपिक, कॉलम के बारे में, बीम के बारे में, रेनफोर्समेंट के बारे में, क्योंकि रेनफोर्समेंट लगाना है तो उसके बारे में समझना है, टेक्सचर्स के बारे में, एलिवेशन के बारे में, रेरा के बारे में, वास्तु के बारे में, बिल्डिंग बाय लॉ के बारे में, इनके बारे में एवरी डे 30 30 30 मिनट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपको 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग दे देते हैं, जिसको आप घर से पढ़ के आते हो डेफिनेटली डाउट आएगा, तो उसके लिए भी आपको आधा घंटा दे देते हैं। रोज पूछो डाउट्स, जितने डाउट्स हो सकते हैं उन डाउट्स को पूछो। और जैसे ही आपका कोई एक सॉफ्टवेयर खत्म, मान लो आपका रैबिट खत्म होता है, तो आपका एक रैबिट का टेस्ट होता है, जिसे आप जज कर पाते हो कि मैंने सच में रैबिट सीखा है कि नहीं सीखा है। एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो आपका बनाया जाता है, ठीक है, जिसको मैं गाइड करूंगा कैसे कैसे बनाना है। आप बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाएंगे, कंपनी में ऐसे खाली हाथ चले गए, कई लोग मान लो 10 लोग इंटरव्यू देने गए, प्रोफाइल वहां पर ओपनिंग केवल 2 ही है। अब सीधी सीधी बात है, कंपनी में मान लो यहाँ पर अभी सृष्टि है, तो मैं सृष्टि को क्या क्वेश्चन आंसर में आपको बताऊंगा, जस्ट थोड़ा सा वेट कर लेना गाइस। मान लीजिए सृष्टि आई मेरे पास, ठीक है, और मैं सृष्टि को जानता तो हूँ नहीं इंटरव्यू में, अब मुझे इनको जज करना है 5 मिनट्स में। देर आर बिग चांसेस कि मैं 5 मिनट में न जज कर पाऊं कि सृष्टि के पास भीम का कितना नॉलेज है। लेकिन क्या किया कि सृष्टि ने क्या किया, एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो हमने बनवाया था वो लेके चली गई और दिखा दी, सर दिस इज द माय वर्क। मुझे तुरंत कॉन्फिडेंस आ गया कि यार सृष्टि सबसे बेस्ट हो सकती है इस ओपनिंग के लिए, ठीक है। और आसान भाषा में बोलूँ तो, जैसे मान लीजिए कि मेरी हलवाई की दुकान है और तेजस समोसा बनाते हैं, तेजस आए मेरे पास, आए बोले सर मैं बहुत अच्छा समोसा बनाता हूँ, आपके होटल पे मैं रहना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं कैसे मान लूँ कि तेजस अच्छा समोसा बनाते हैं? और इसी में क्या हुआ कि तेजस अपने घर से बढ़िया सा समोसा बना के लेके आए थे पैक करके, और बोले सर एक बार ट्राई करिए मेरा समोसा कैसा है। मैंने खाया, बड़ा लाजवाब रहा। फिर मैंने तुरंत, और फिर इन्होंने तुरंत बोला सर जो आपके यहाँ पर ओपनिंग है उस ओपनिंग में मैं ऐसा ही समोसा बना के दे सकता हूँ। अब बताओ आप कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इसी कॉन्फिडेंस को इस 4 महीने में मैं क्रिएट करता हूँ बहुत ही मेहनत से, जैसे आपको अभी एनर्जी दिख रही है, इससे भी ज्यादा या फिर इतना ही एनर्जी भी रहेगी, इससे ज्यादा किस लिए, क्योंकि अभी थोड़ी तबीयत डाउन है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस तरीके से पूरे 4 महीने ट्रेंड किया जाएगा। MCQ टेस्ट होंगे आपको जिस तरीके से कंपनी में होते हैं, कैट टेस्ट होंगे, मतलब आपको रैबिट पर एक मॉडल दिया जाएगा, मिनट दिया जाएगा, उस मिनट में आपको उस मॉडल को बना के सबमिट करना पड़ेगा। ये हर हर मंथ होता है ये आपका जो टेस्ट होता है, बाकी मॉक टेस्ट तो आपके हर हफ्ते होंगे। उसके अलावा यहाँ पर लगभग लगभग 40 प्रोजेक्ट के आसपास आप लाइव प्रोजेक्ट करोगे, 40 प्रोजेक्ट जो कि मेरे खुद के होंगे, कुछ जो चल रहे होंगे, कुछ जो हो चुके होंगे, 40 प्रोजेक्ट के आसपास तो आप इस तरीके से करोगे। और एक प्रोजेक्ट, क्योंकि सर्टिफिकेट ऐसे नहीं देंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट ISO सर्टिफाइड देंगे, आपको इंटर्नशिप लेटर देंगे प्रॉपर, हर सॉफ्टवेयर का इंडिविजुअल सर्टिफिकेट भी देंगे, बट उसके लिए आपको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट विदाउट माय हेल्प, कंप्लीट हेल्प मतलब पूछोगे जो तो बताएंगे ही, कंप्लीट स्टार्ट से लेके एंड तक करके उसकी पूरी PPT बनाओगे और बना के सबके सामने प्रेजेंट करोगे। उससे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उसके अलावा कैसे प्रेजेंट करना है वो अच्छा होगा। आप जैसे सपोज मैंने आपको दे दिया कि आपको स्कूल बिल्डिंग बनाना है, स्कूल बिल्डिंग के लिए कौन कौन सा साइज कोड यूज होता है, रूम का स्टैंडर्ड साइज क्या होना चाहिए स्कूल बिल्डिंग के लिए, प्ले ग्राउंड कितना बड़ा होना चाहिए स्कूल बिल्डिंग के लिए, सेप्टिक टैंक कितना बड़ा होना चाहिए स्कूल बिल्डिंग के लिए, कितने साइज का कॉलम देना चाहिए, बीम कितने साइज का देना चाहिए, फुटिंग कौन सा देना चाहिए, सारा डिटेल आप रिसर्च करोगे। इसके लिए आपको 25 दिन मैं अलग से देता हूँ क्लास के साथ ही, उसको आप प्रेजेंट करते हो और
अब तक का यही रिकॉर्ड रहा है कि जिसने भी 80% के ऊपर अटेंडेंस मेंटेन कर लिया, अटेंडेंस मतलब केवल शरीर से नहीं काम से भी, मतलब असाइनमेंट्स के साथ अटेंडेंस दे दिया 80%। मैं आज भी हम लोगों ने अभी अपने ओल्ड बैचेस को मैं बता रहा था कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कहाँ कहाँ ओपनिंग चल रही है, मैं आपको हर हफ्ते बताता रहता हूँ, ग्रुप में डालता रहता हूँ, आपका पर्सनल ग्रुप है, जिन्होंने भी एडमिशन ले लिया होगा उनको पता होगा, पर्सनल ग्रुप में आता रहता है कि यहाँ ओपनिंग चल रही है, यहाँ ओपनिंग चल रही है, यहाँ ओपनिंग चल रही है। इस ओपनिंग के अकॉर्डिंग कैसे रिज्यूम को बनाना है, सबसे बड़ा समस्या यही रहता है कि रिज्यूम को बनाए तो बनाए कैसे सर, हमारा रिज्यूम ही शॉर्टलिस्ट नहीं होता। ठीक है, कई लोग सोच रहे होंगे ना कि मेरा रिज्यूम ही शॉर्टलिस्ट नहीं होता है, रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करने का ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, आपका जो रिज्यूम है जब कहीं पर डालते हो, मान लो आपने डाल दिया रैमबॉल कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी है, अब उसको में जैसे रिज्यूम कोई डालता है तो कम से कम 5,000, 3,000, 2,000 एप्लीकेंट्स एक साथ अप्लाई कर देते हैं। अब सोचो, इमेजिन करो कि 2,000 रिज्यूम अगर आपके मेल पर आ गया तो आपका हाल क्या होगा, कितने रिज्यूम को आप देखोगे, ठीक है, कितने रिज्यूम को आप चेक करोगे। तो उन रिज्यूम को चेक करते करते अगर आप, सपोज आप एचआर हो, आप इमेजिन करो एक रिज्यूम को देखने में अगर आपने, ठीक है, एक रिज्यूम को देखने में आपका अगर 5 मिनट भी जा रहा है तो आपका 10,000 मिनट खराब हो जाएगा सिर्फ देखने में। अभी शॉर्टलिस्टिंग करना भी कंफ्यूजन वाला हो जाएगा। तो कंपनीज क्या करती हैं, आपके रिज्यूम को चेक नहीं करती, आपके रिज्यूम को पढ़ती नहीं है, जो आप सोचते होगे कि रिज्यूम पढ़ रहे हैं, कोई नहीं पढ़ता, छोटी कंपनियां पढ़ ली अलग बात है। तो उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो होता है एटीएस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी सीवी को डाल देते हैं, एक साथ अपलोड कर दिया, डाउनलोड किया, अपलोड कर दिया। और उस सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, जस्ट एक क्लिक करते हैं, एक तरफ डाल देते हैं अपनी वो जरूरत और एक तरफ डाल देते हैं आपका रिज्यूम, एक बार क्लिक करते हैं, और क्लिक करते ही तुरंत वो आपकी सीवी को पढ़ लेगा फटाफट फटाफट फटाफट, और पढ़ने के बाद रैंक कर देगा कि सबसे बेस्ट सीवी इनकी है, उससे बेस्ट इनकी है, उसके बाद ये है वो है, और ऊपर से टॉप 10 सीवी को निकाल लेंगे वो, बाकी को एक जगह डिलीट बटन होती है, किया खत्म। अब टॉप 10 सीवी केवल, या फिर टॉप 20 निकाल दिया हार्डली, टॉप 20 को केवल वो पढ़ेंगे, उसी पर टाइम देंगे, उसी में इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाएंगे और उसी में शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। बाकी के जितने लोग थे, ठीक है, 1,800, 1,980 लोग, उनको तो पता ही नहीं कि हमारा रिज्यूम क्यों शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो कीवर्ड्स ही नहीं है जो कीवर्ड्स वहां पर चाहिए था शॉर्टलिस्टिंग के लिए। तो ये सारे ट्रिक्स अपन यहाँ पर ग्रुप में हम लोग शेयर करते हैं, अपने जो 4 महीने सीखते हैं कि कैसे कैसे ये कीवर्ड्स डालने हैं कि वहां पर रिज्यूम जाए तो तुरंत शॉर्टलिस्ट हो जाए। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर गाइड करता हूँ कि ठीक है जॉब तो कर ही रहे हैं, जॉब तो लग ही जाना है, जॉब के अलावा कैसे शॉर्ट लिस्टिंग हो हमारी ओपनिंग्स में, और उसके साथ हम फ्रीलांसिंग कैसे पैसे कमा सकें उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो मतलब सिविल इंजीनियरिंग के जितने डिस्कशंस होते हैं वो सब भी रहता है इसमें, और नो डाउट बीम तो हम सीखते ही सीखते हैं। ये है अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल। ठीक है, अब कुछ लोगों के डाउट्स भी होंगे, नो डाउट, अच्छी बात है, जैसे कि कुछ लोग के डाउट कॉमन डाउट होंगे कि सर मेरा गैप है, तो आप गैप के लिए ही मैं 4 मंथ का इंटर्नशिप कराता हूँ, जिस इंटर्नशिप से क्या हो जाता है कि आप किसी कंपनी में जाके बोल सकते हो भाई मैंने 4 मंथ ये सीखा हुआ है, तो उनको लगता है ठीक है पीछे इन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया था, ठीक है, लेकिन अब ये तो इंटर्नशिप करके एकदम परफेक्ट हो चुके हैं, अब लोग सर कैसे कंपनी मान लेगी कि हम परफेक्ट हो गए हैं। तो भाई उसके लिए हमने इसीलिए आपको क्या दिया हुआ है, इसीलिए आपको एक बढ़िया तरीके से हमने पोर्टफोलियो बनवाया हुआ है, आपके पोर्टफोलियो, समोसा खाने के बाद पता चल गया ना कि हलवाई कैसा है, ठीक है, तो आपके पोर्टफोलियो को देख के आइडिया लग जाता है कि हाउ दिस पर्सन, हाउ मच नॉलेज दे हैव। ठीक है, इफ यू हैव अ गुड नॉलेज यू कैन शो इन योर पोर्टफोलियो, इफ यू डोंट हैव तो डेफिनेटली नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा कॉन्फिडेंस से उनको बता सकते हो कि गैप कुछ मैटर नहीं करता। जो भी साइट इंजीनियर है, साइट इंजीनियर भी इसमें बहुत अच्छे से अपने करियर को बना सकते हैं। आपके जो आपके डाउट है ना, मैं वैसे तो आपके सारे क्वेश्चन मुझे पता है, बट दो चार जो मेन मेन है मैं कवर कर दे रहा हूँ, फिर आप पूछ लेना। तो जो लोग भी साइट इंजीनियर है, अब वो बोल सकते हैं कि सर मेरा कैसे एक्सपीरियंस क्या काउंट होगा, यस काउंट होगा, बस कहने का तरीका, ठीक है, कौन कहता है बात कही नहीं जा सकती, बात कहने का सलीका सही होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो सलीका क्या होना चाहिए उसका, जनरली हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर आई वॉज द साइट इंजीनियर इन दैट कंपनी फॉर द दिस 2 2 ईयर्स, बट आफ्टर दैट आई रियलाइज कि आई कांट कंटिन्यू दिस जॉब, आई नीड ऑफिस जॉब, ठीक है, और फॉर दैट आई जस्ट स्टार्टेड द इंटर्नशिप इन यूनिक्स सिविल, आफ्टर दैट आई जस्ट केम हियर फॉर द जॉब। एक तरीका ये हो गया जिसमें एचआर ने क्या जज कर लिया कि यार बड़ा आलसी आदमी है, ये साइट की जॉब इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसको लग रहा है टफ है, ऑफिस जॉब में इसको लग रहा है कि आराम रहेगा, और आपका ये कड़वा सच सुनते ही उसके दिमाग में आ जाएगा इसको रिजेक्ट करना है।
दूसरा तरीका क्या था सर? फर्स्ट ऑफ ऑल या मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट लर्न द प्रैक्टिकल थिंग्स ऑन साइट एंड आई नो वेरी वेल बिकॉज आई जस्ट स्पेंड माई 1 or 2 years ऑन द साइट. नाउ आई जस्ट थॉट कि आई कैन जस्ट यूटिलाइज माई दिस स्किल्स विथ बीम सो दैट प्रैक्टिकली हाउ कैन बी कंप्लीट द प्रोजेक्ट दैट आई कैन शो इन यू इन द डिजिटल प्लेटफॉर्म. फॉर दैट आई जस्ट स्टार्टेड माई इंटर्नशिप. नाउ आई एम हियर फॉर द जॉब बिकॉज आई लर्न हाउ टू यूटिलाइज माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड दिस इज माई पोर्टफोलियो. बात वही थी, तुमने घुमा के सही तरीके से प्रेजेंट कर दिया. कहते हैं ना स्टारबक्स में कॉफी पीने जाते हो तो क्या करते हो, थोड़ी सी पैकिंग अलग कर देते हैं. तो पैकिंग अलग करने के बाद देखते हो आपकी 30 रुपए की कॉफी 120 की बिक जाती है. तो मतलब कुल मिला के आपको काम करने का सलीका होना चाहिए, ठीक है. और एक और डाउट कुछ लोग को हो सकता है कि सर फीस क्या रहती है. तो आपका वैसे तो आपको पता है बीम के लिए लोग बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, बट हमने वही फीस चार्ज किया जो एक एक जो निम्न स्तर की इनकम वाला व्यक्ति है वो भी इसको अफोर्ड कर सके. 20,000 आपकी फी है और इस 20,000 को भी आप पार्ट में भी कर सकते हो या वन टाइम में भी कर सकते हो. बहुत सामान्य मेथड है, आप यूनिक सिविल का अकाउंट नंबर या यूनिक सिविल का जीपे फोन पे पे मिनिमम 5,000 पर मंथ करके भी कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको अफोर्डेबल हो, ठीक है. फीस इज नॉट नॉट अ प्रायोरिटी फॉर अस क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम सब सिविल इंजीनियर्स एक अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके. उसके लिए जितनी मेहनत करनी होगी मैं तो करने के लिए रेडी हूँ, आप रेडी हो तो आओ. लेकिन ये कहना फिक्स रहेगा मेरे तरफ से कि 5 घंटे अगर आप स्पेंड नहीं कर सकते अपना टाइम तो मत आओ. क्यों? क्योंकि बिना 5 घंटे की आपका सिर्फ पैसा खराब होगा, कुछ सीख नहीं पाओगे, ठीक है. तो 5 hours द फिक्स मिनिमम आपको देना पड़ेगा. और सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे उठोगे मॉर्निंग में 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी. सबसे बेस्ट टाइम होता है लर्निंग करने के लिए, जो टाइम वो है सुबह का टाइम. तो 7 बजे टाइम स्टार्ट हो जाएगा, 7 से 8:30 आपका लाइव क्लास रहेगा. उसके बाद की जो 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है वो आपका जब मन करे वो आप उसको वॉच कर सकते हैं. और प्रैक्टिस भी आपका इवनिंग में आप कंफर्टेबल है प्रैक्टिस के लिए, इवनिंग में प्रैक्टिस करके मेल कर सकते हैं. वो सब कैसे क्या करना है वो सब आगे हम आपको ग्रुप में बता देते हैं. चलिए ये रहा मेरे तरफ से, और अब आपकी तरफ से सुन लेते हैं. सीओ मिश्रा जी से स्टार्ट करते हैं फिर राहुल तक आते हैं. यस सीओ बताइए, आप जिस तरह से भी डाउट हेलो पूछ सकते हैं करके. यस सीओ बताइए. सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं भी हाल ही में एमटेक में स्ट्रक्चर से एमटेक कर रहा हूँ सर। तो मेरे लिए बीम सॉफ्टवेयर अच्छा रहेगा कि सर, कि मेरे करियर के लिए आगे चल के स्ट्रक्चर में ही मतलब करियर बनाना अच्छा रहेगा जिसमें ग्रोथ अच्छा हो और प्रोफाइल अच्छी बने मेरी। देखो क्या होता है कि अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा. तो इसमें देखो कैसा होता है कि जो बीम है ना, ये बीम बहुत बड़ा है, ठीक है. बीम में बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्या है, कंप्लीट प्रोसेस है ऑन साइट. जो जिस तुमने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया होगा तो मैंने बताया जो ऑन साइट होगा उसको पहले सब करके देखना. तो उसमें एक पार्ट स्ट्रक्चर का भी रहता है, ठीक है. तो नो डाउट स्ट्रक्चर्स आप सीख रहे हो तो ये आपके लिए एडिशन पॉइंट है कि आप बीम की जो मॉडलिंग कर रहे हैं उसके अलावा आप ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स कैसे बिहेव करेगा. यहाँ पर कॉलम में परसेंटेज कितना डालेंगे स्टील का, स्लैब में कितना डालेंगे, फुटिंग में कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे. तो आपके पास एक प्रैक्टिकल अप्रोच है और फ्यूचर में जाके आपको स्ट्रक्चर्स भी सीखना पड़ेगा. क्योंकि कैसे होता है ना कि स्टार्टिंग में तो आपका हो जाता है कि थोड़ा नॉलेज है, चल जाता है, आप 30,000 35,000 के जॉब कर लेते हो. बट जब बात करते हैं 60,000 70,000 80,000 तो वहां पर आपके पास टू मच वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ज्यादा स्किल्स की जरूरत होती है. तो फ्यूचर में तुमको स्ट्रक्चर्स भी अपग्रेड करना पड़ेगा नो डाउट, और बीम भी अपग्रेड करना पड़ेगा. दोनों को मिला के करोगे तो कैरियर तुम्हारा ज्यादा ग्रो करेगा. क्यों? क्योंकि तुम ऑलराउंडर हो गए, बैटिंग भी आती है, बॉलिंग भी आती है, तुम टीम से बाहर नहीं जाओगे. यही कॉन्सेप्ट है सीओ. ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके जी. चलिए राहुल का कौन ले लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है. सबके क्वेश्चंस लेंगे आराम से, रिलैक्स हो, जितना पूछ सकते हो पूछो आराम से. यस राहुल बताइए. हेलो, यस राहुल. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी. सर। सर, एक्चुअली मेरा जो रियल कंसर्न था ये कि हमारी जो क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी। लाइव प्लस रिकॉर्डिंग. कैसे होता है कि हमें 4 महीने में कंप्लीट करना है ना, और कोर्स बहुत बड़ा है. तो अगर मैं यस, केवल लाइव कर दूंगा तो तुम्हारा 1 साल चला जाएगा. 8 महीने तो कम से कम जाना ही फिक्स है. तो इस 8 महीने को मैंने 4 महीने, क्योंकि 8 महीने क्या होता है, 8 महीने कंसिस्टेंसी प्लस 8 महीने टाइम देना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, प्लस मेरे लिए भी कैसे हो जाएगा, फीस आपकी बढ़ जाएगी ना, 8 महीने का यस फीस बढ़ जाएगा. तो मैंने इस चीज को सॉर्ट किया है कि
कि 1.5 घंटे आपको जो कैसे जो चीजें कॉमन है जिसको आप सीख सकते हो उसको मैंने क्या बोलते हैं एक रिकॉर्ड कर दिया है, और रिकॉर्ड करके 200 घंटे अलग से कर दिया है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको मैं लाइव आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। ओके सर, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा टाइम बच रहा है, प्लस तुम्हें जल्दी जल्दी से तुम्हारा काम भी हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सक्सेस कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, शायद इन्होंने अपने फर्म्स के नाम से किया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन का है कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन पूछने के बाद माइक ऑफ कर देना गाइस। तो बीम का सिलेबस क्या है, मैं बीम का सिलेबस भी आपको भी दिखा दे रहा हूँ कीर्ति, और ग्रुप में भी भेज पता नहीं शायद भेजा नहीं होगा टीम ने, तो मैं भेज देता हूँ, सॉरी, तो मैं भेज देता हूँ और प्लस दिखा भी देता हूँ कि बीम का अपना सिलेबस क्या है और विच सॉफ्टवेयर वी आर गोइंग टू लर्न इन बीआईएम। इसमें हम लोग पहले तो ऑटोकैड के बेसिक पर खूब प्रैक्टिस कराऊंगा आपका, फिर स्टार्ट होता है मेन बीम रेविट से, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी सीखेंगे, उसके बाद टेक्ला सीखेंगे, उसके बाद नेविस वर्क सीखेंगे, उसके बाद स्केचअप, उसके बाद 3ds मैक्स, और इन सब के साथ बीम के सारे कॉन्सेप्ट्स। ये एक्चुअली आपका पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा सक्सेस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और मैं सिलेबस ग्रुप में भी भेज दे रहा हूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ पर भी दिखा देता हूँ कृति, जस्ट अ मिनट। इससे पहले एक बार क्वेश्चन ले लेता हूँ विनोद कुमार का, उसके बाद कार्तिकीय का। यस विनोद बताइए, विनोद यू हैव एनी डाउट? यस सर, यस यस, विनोद कार्तिकीय सर, थोड़ा रुक जाओ, विनोद का पहले हो जाए। हाँ विनोद बताओ। जी सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हमारा भी वर्किंग टाइम है, करेक्ट तो आप से कह रहे हो सुबह 7 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, तो करेक्ट, इवनिंग बैच का क्या टाइमिंग रहेगा? ठीक है। अभी देखो यूनिंग में नहीं प्लान कर रहे हैं, ठीक है, यूनिंग में क्या बोलते हैं फ्यूचर में डेफिनेटली हो सकता है कोई बैच चले, ठीक है। फ्यूचर पर्सनली मैं माइंड क्या होता है, मैं मॉर्निंग का बैच ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। ठीक है, तुम्हारा ऑफिस कितने बजे से है? सर सुबह 9 बजे से। 9 बजे से है, तो ये साढ़े सॉरी 7 से 8:30 पे कंप्लीट हो जा रहा है ये। ठीक है, 7 से 8:30 में क्या होता है, सुबह सुबह उठते हो तुरंत ही बैच रहेगा, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा ये चीज़ कि आप 7 से 8:30 कर सकते हो, और इन केस कभी आपको बहुत जल्दी निकलना हुआ तो वो जो लास्ट का मिनट होता है उसको हम ऐसा प्लान करते हैं, वो डाउट वाला रहता है उसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग आप घर पे आके भी वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो आपका टाइम छूटेगा नहीं। सर बट क्या हुआ ना, जब हमने कोर्स परचेज करा था उस समय बात हुई थी आपसे भी और सर से भी, तो उन्होंने बताया था हमें ओके, कि आपका इवनिंग में ही करेंगे, अच्छा तुमने किया हुआ है क्या, तो हो सकता है फिर इसीलिए। जो नेक्स्ट बैच होगी उसके लिए प्लान किया होगा, तुम किसी से बात कर लेना, हो जाएगा तुम्हारा डाउट, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, यूनिंग बैच चल रही है बट अर्ली मॉर्निंग बैच इज द बेस्ट बैच, ये मेरा प्रेफरेंस रहता है। ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा मैनेज, उसको टेंशन मत लो। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके, और नेक्स्ट डाउट किसी का है यहाँ पर, कार्तिकेय का, कार्तिकेय अपना डाउट पूछ लो। यस सर, सर ये क्या इंटर्नशिप जो हो रही है वो करेक्ट, आप जानते हैं केसेस लाइव केसेस पे दे रहे हैं कि मतलब एक कोई आपके पास प्रोजेक्ट है उस पे बेसिस वो कराएंगे? आप लाइव डायरेक्ट कर पाओगे क्या, ये भी इम्पोर्टेंट होता है ना। क्या होता है, पहले हमें जो बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिक प्रोजेक्ट से पहला पहला फीचर पता है क्या होता है, एकदम सिंपल सिंपल चलना स्टार्ट करते हैं पहले, उसके बाद जो मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स हैं आप उनके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हो, फिर जो हमारे कैड के प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑटो कैड में हुए हैं उन प्रोजेक्ट्स पर आप उसके ऊपर बीम मतलब कैड टू बीम का कॉन्सेप्ट सीखते हो, और जब आपका ये लेवल आ जाता है फिर आपका नेक्स्ट लेवल आता है जहां पर मैं आपको प्रोजेक्ट दे देता हूँ, आप पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करते हो, तो चारों अलग अलग प्रोसेस में चलना पड़ेगा। देखो सीखना अलग चीज है, प्रोजेक्ट करना अलग चीज है, ठीक है, सर, इसी और तरीके इसमें का। क्या वो 6D मॉडल तक होता है ना अपना, नहीं, 6D, 60 5D, 60 5D? ओके, 5D तक मतलब सारा सीखेंगे हम लोग, सारे फाइव डी डी तक ही किया जाता है, 6D मॉडल नहीं होता है, 6D कॉन्सेप्ट्स होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं बताता हूँ कि क्या होता है 6D, सब कुछ आप सीखोगे उसमें। सर। ठीक है, चलेगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर पटेल जी का। ठीक है, तीर्थ पटेल जी का, इन्होंने बोला कि सर मैं बी फाइनल ईयर बीटेक में हूँ और मेरा कॉलेज और क्लासेस का टाइमिंग मैच नहीं हो पाएगा, सो मैं इंटर्नशिप करूँ या हॉलीडे में। ठीक है, इन्होंने बोला कि नहीं, अगर आपका क्लासेस का टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हमारी आने वाली बैच इवनिंग में भी होने वाली है, ठीक है, उसमें आप कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, और अभी मत करो अगर आपका मैच नहीं कर रहा, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि फिर आप करोगे कैसे। ठीक है, और हम ऑलरेडी सीट भी लगभग उतना है नहीं अपने पास, सीट लगभग लगभग तो फिनिश हो गया है, कुछ ओल्ड बच्चे हैं वो भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिए हैं, तो इसकी वजह से, तो आपको लगे तो आप यूनिक में नेक्स्ट बैच में कर लो। ठीक है, मेरी टीम में जो भी कॉल किए होंगे उसे कॉन्टेक्ट करके नेक्स्ट बैच में कर लेना। ठीक है, अभी यूनिक का टाइम डिसाइड नहीं हुआ है, वो हमें देखना पड़ेगा हमारा कौन सा स्लॉट फ्री हो रहा है उसके बेसिस पर होगा वो। ठीक है, जो भी स्लॉट फ्री होगा डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म कर देंगे।
सर शेयर द कंप्लीट सिलेबस एंड फी स्ट्रक्चर्स। यस यस मैं अभी शेयर कर दे रहा हूँ। फी स्ट्रक्चर मैंने बता दिया 20,000 है। सिलेबस में सॉफ्टवेयर का नाम बता दिया, सॉफ्टवेयर का सिलेबस अभी मैं ग्रुप में आपको शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और एनी और सर अब्दुल कुछ बोलना चाह रहे हो क्या अब्दुल? एनी डाउट? ठीक है, आई थिंक गलती से हो गया माइक ऑन, ठीक है, ऑफ कर दिया। कौन से ग्रुप में शेयर करेंगे सर? अच्छा, तुम लोग ग्रुप में नहीं हो क्या? ओके ठीक है, मैं अब यहाँ कैसे कर सकते हो। अच्छा तुम लोग को मैं अब यहाँ पर मेरा नंबर है, ठीक है, और क्या बोलते हैं तुमको जिससे गूगल मीट जिससे भी मिला होगा सिलेबस, बस उनको डीएम करना, उनसे ले लेना, ठीक है। शिवम जो जिसके थ्रू तुम्हें लिंक मिला होगा वहां पर तुमको मिल जाएगा, चलेगा? मैं वहां हाँ से जी, ठीक ठीक अच्छा है, ठीक है, ओके ठीक है अच्छा सर। ओके। और इन्होंने बोला कि ठीक है ऑफलाइन सेट, ऑफलाइन में क्या होता है ना राहुल, की ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि जिस फी में हम लोग उसको प्रोवाइड कर पा रहे हैं, इस फी में ऑफलाइन चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही, क्योंकि हम पुणे में रहते हैं और पुणे में बहुत कॉस्टली है, ठीक है। मैंने ट्राई किया ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन में आपकी फ़ी जा रही है 60,000, 50,000, 70,000 के आसपास। अब 60,000 का फी प्लस पुणे में आपका सर्वाइवल, ठीक है। अब्दुल आपका माइक ऑन हो रहा है बार बार, एक बार ऑफ कर दीजिएगा प्लीज़। तो क्या बोलते हैं, इतना फी आपको एफोर्ड करना, प्लस 4 महीने पुणे से शहर में रहना, 10,000 रुपये मंथली आपका 4 महीने रहने का जाएगा। मिनिमम मैं कितना भी करूंगा ना 60,000 आपका खर्च होगा फी में। तो 60 प्लस 40, 40, 1 लाख रुपए आप फी में खर्च हो जाते हैं। फिर आप जो अपने जॉब के लिए जो स्ट्रगल करोगे वो एक अलग स्ट्रगल रहेगा। तो इसलिए हमने इसको अभी ऑफलाइन में नहीं किया हुआ है, ठीक है। आपका मन है तो बोलिएगा, लेकिन आपके लिए अफोर्डेबल नहीं रह जाता ऑफलाइन में, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होगा, सिलेबस कट समय बढ़ जाएगा, और फिर आपका यहाँ पर ट्रैफिक में जाना, ट्रैफिक से आना, फिर जॉब कहीं पर ना कर पाना क्योंकि ऑफलाइन कर रहे हो आप, तो ये सब मिला के आपके लिए नुकसान वाला ही चीज़ है वो। ऑनलाइन में क्या है, आपने घर पे बैठ के आपने सिर्फ डाटा स्पेंड किया हुआ है, आपका जाने का टाइम बच रहा है, आने का टाइम बच रहा है। ये जो आधे घंटे जाने का, आधे घंटे आने का और आधे घंटे आराम करने का, 1.5 घंटे का जो टाइम है, इसको प्रैक्टिस में डाल दोगे तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि 1.5 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आदित्य बोले सर इट इज पॉसिबल टू कवर ऑल द सिलेबस मेंशन राइट नाउ कवर्ड इन 4 मंथ बिकॉज आई हैव बेसिक नॉलेज। यस यस आदित्य, अभी आपकी जो आपको पता होना चाहिए जो अभी बैचेस चल रही हैं, लगभग 3 बैचेस तो अभी भी चल रही हैं, लगभग 15 से 20 बैचेस मैंने ऑलरेडी खत्म कर दिया है, तो मेरा तो एक्सपीरियंस है, तो वो मैं कर लूंगा, मुझे पता है, ठीक है। तो क्योंकि अभी हम लोग दिन भर में यही कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स इतना तो एक्सपीरियंस मान ही सकते हो कि करते करते हमें प्रैक्टिस हो गया, कितना समय लगेगा। हमें तो एग्जैक्ट नंबर भी पता है कि इतने दिन में खत्म हो जाएगा, बट नंबर अभी डिस्कस करना ठीक नहीं है, फोकस करो सीखने पे। मैं कभी भी ये नहीं देखता हूँ कि नहीं यार क्या बोलते हैं 4 महीने, अरे 4 महीने कोई लिख के वो पे वो रजिस्ट्री थोड़ी है, हम लोग सीखने आए ना गाइस। तो हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हम जब तक सीख के परफेक्ट नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप अगर हमारे पास आए हैं और 80% से ज़्यादा अटेंडेंस दे रहे हैं, मतलब आप सीरियस हैं, तो आपका फ्यूचर बन जाए वहाँ तक प्रयास करते हैं। कई महीने में, कई बैचेस को मैंने 5 महीने भी कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि कोई मैंने वो कोई वो तो है नहीं मेरे साथ कि नहीं नहीं इतने दिन में करो नहीं तो तुम्हें अगले महीने की सैलरी नहीं देंगे, मुझे कोई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे खुद पढ़ाना है ना, ठीक है। मेरे लिए टाइम मैटर नहीं करता, बट एवरेज 4 महीने, 4 महीने 5 दिन, 4 महीने 2 दिन, 4 महीने 10 दिन, कभी कभी 4 महीने से 10 दिन कम भी लग जाता है, अगर अच्छे लोग आए हैं, अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3 महीने से थोड़े से दिन में ज़्यादा कवर हो जाता है, ठीक है। तो हमारे लिए टाइम मैटर नहीं करता, लर्निंग मैटर करता है गाइस। चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं भाई पटेल का, कि सिलेबस एंड सेटअप कैसे चाहिए। मैं सब कुछ दूंगा, सिलेबस क्या सेटअप मैं दूंगा, कैसे इंस्टॉल करना है वो भी मैं बताऊंगा, वो सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए आप लोग। क्या पढ़ना है, कौन सा नोट्स पढ़ना है, वो नोट्स भी मैं दूंगा, मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स भी दूंगा। क्या स्टडी मटेरियल पढ़ना है, क्या प्रैक्टिस करना है, सब मेरी तरफ से रहेगा आपको, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज देना है, वो है टाइम और डेली, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। डेली मतलब मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि उब जाओगे नहीं तो सैटरडे संडे अगर आराम नहीं करोगे तो, ठीक है। आई एम सर, आई एम सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियर, सो प्लीज सॉफ्टवेयर कवर एंड व्हिच टाइप ऑफ ओके प्रोजेक्ट टॉर्च से ओके। मैं दिखा देता हूँ उसको भी, दिखा देता हूँ कि हम लोग सिलेबस में क्या क्या करेंगे। तो लैपटॉप स्पेसिफिकेशन सर, 8 GB रैम, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड, और किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो इंटर्नशिप मत ज्वाइन करना, मेरी नहीं किसी की मत करना। क्यों? क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि ऑफलाइन जाऊंगा वहां पर सिस्टम मिल जाएगा, उतनी से प्रैक्टिस से नहीं होता है, इसमें बहुत दबा के प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आपके पास लैपटॉप है तभी बी में करियर बनाने की सोचना, मेरा एडवाइस यही है, नहीं तो आपको पछताना पड़ जाएगा। मैं खुद ही एडमिशन नहीं लूंगा, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मत करो, कोई कोई बेनिफिट ही नहीं निकले, कोई मतलब नहीं है ना टाइम लगाने का। फिर सर ऑल्सो प्रोवाइड एनी प्लेसमेंट असिस्टेंट? यस, नॉट एनी,
मैं हर हफ्ते आपको बताता रहता हूँ कि यहाँ यहाँ ओपनिंग चल रही है, इस तरीके से अप्लाई करो। कुछ मेरे पर्सनल कनेक्शन भी रहते हैं, मैं बता देता हूँ भाई इस कंपनी में डायरेक्ट इस मेल आईडी पर अप्लाई कर दो, शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के जो मेरी तरफ से प्लेसमेंट का पूरा हेल्प होता है, और उनके लिए तो स्पेशल होता है जो 80% अटेंडेंस से ज़्यादा मेंटेन करते हैं। क्यों स्पेशल होता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सीरियस हैं, उनके लाइफ में अच्छा होना ही चाहिए। तो मेरे क्लास में आने का पहला और आखिरी सास यही है कि 80% से ज़्यादा आपका अटेंडेंस होना चाहिए, और हमारा इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट है वो भी तभी आपको मिलेगा जब आप 80% से ज़्यादा अटेंडेंस कंप्लीट करोगे। चाहे आप फीस कंप्लीट किए हो नहीं किए हो मुझे मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर कर रहा है कि आपका 80% अटेंडेंस होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज। और दूसरा चीज, आपको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड बना के देना पड़ेगा, अभी से बता दे रहा हूँ। जो ये दोनों काम नहीं करता है उसको हम इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं देते। आप लोग, सर ये तो गलत बात है, आपने फीस ले लिया आपने सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हो, ठीक है। इसका रीजन ये होता है गाइस, अगर आप बिना सीखे कहीं पर चले गए इंटरव्यू देने के लिए और वहां पर आपने बोल दिया कि मैंने यूनिक सिविल से सीखा हुआ है, सिंपल सी बात, वो पूछेंगे क्या आ रहा है तुमको यार, कुछ तो कर नहीं पा रहे हो, कहाँ से सीखे हो, ठीक है। वो ये नहीं सोचेंगे कि सब बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे, गड़बड़ इसकी हो सकती है। वो ये पूछेंगे कहाँ से सीखे हो, तो बताओगे यूनिक सिविल क्या सिखाते हैं, और मेरा नाम वहां पर खराब होगा। उस नाम को बचाने के लिए हम बोलते हैं कि भाई 80% अटेंडेंस दे सकते हो और डेली प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब एक जो पूरा बड़ा प्रोजेक्ट करके सबमिट कर सकते हो, तभी कोर्स में आओ, अदरवाइज हम इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे, आपका लॉस होगा। एक कड़वा सच है, बुरा लगेगा आपको, बट सच है तो सच है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि और प्लेसमेंट का बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं ढेर सारी ओपनिंग देता हूँ, यहाँ ओपनिंग चल रही है, वहाँ ओपनिंग, इवन हर सिटी का देता हूँ, कि कोशिश करता हूँ जिस सिटी की जो रहे सब कोई कवर हो जाए। कुछ सॉफ्टवेयर शुड यू नो बिफोर लर्निंग बीएम, कुछ नहीं, आपको ऑटोकैड से मैं सिखाने वाला हूँ, और ऑटोकैड में भी लाइन कमांड का जो ड्राइंग होती है वहां से सिखाऊंगा। तो आपको सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको जस्ट इतना आना चाहिए कि लैपटॉप को चला लो बस, ठीक है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। मिनिमम पैकेज सर कितने का हो सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स? देखो इसमें तीन पैकेज को तीन पार्ट में डिवाइड करो। देखो पैकेज को तीन पार्ट में कैसे, कि अगर आपने स्मॉल स्केल कंपनी को ज्वाइन किया है स्टार्टिंग में, एकदम फ्रेशर लड़के की बात कर रहा हूँ, तो 15,000 के तो ऊपर ही रहने वाला है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जब कोई मिड लेवल की कंपनी को आपने क्रैक किया, मिड लेवल की कंपनी मतलब कि जिनके दो चार ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो मिड लेवल की कंपनी को किया, तो देर आर बिग चांसेस कि आपकी सैलरी जो रहेगी 20 के ऊपर ही रहेगी, 25 हो सकती है, 26 हो सकती है, 27 हो सकती है, इसके आसपास। और अगर आपने किसी एमएनसी के इंटरव्यू को क्रैक किया, ठीक है, तो ये बिग चांस है कि आपको 25 के ऊपर, कितना, 28, 30, 32, 34, 35, इस तरीके से आपको सैलरी, अभी तक का जो मैक्स सैलरी गया हुआ है वो 9 लाख गया हुआ है, ठीक है। बट ये मत सोचो कि आपको 9 लाख मिलेगा, नहीं, जरूरी नहीं यार, वो बहुत टैलेंटेड था, ठीक है। 6 लाख गया हुआ है, ये भी मत सोचो कि 6 लाख सबको ही मिलेगा, ठीक है। बट 4.2, 3.2, ये सब तो एक नॉमिनल पैकेज है, जो मतलब तो अगर किसी एमएनसी का आपने इंटरव्यू क्रैक किया तो 25 के ऊपर ही आपको जाने वाला, ये फिक्स है, ठीक है। तो ये सैलरी का पैकेज रहता है, मतलब कितनी बड़ी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो उस पे डिपेंड करेगा। इज द इंटर्नशिप डिफरेंस डिफरेंट विद द कोर्स शो इन ऐप? यस, जो कोर्स ऐप में आप देख रहे हो वो एक वीडियो कोर्स है जो इसमें भी इन्वॉल्व है, ठीक है, जो आपको वॉच करना है घर से। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको मैं पूरी इंटरव्यू के लिए रेडी कर रहा हूँ तीर्थ, यहाँ पर आपका मॉक इंटरव्यू हो रहा है, एमसीक्यू टेस्ट हो रहा है, डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बीम के टॉपिक्स हैं, बीम के रिसर्च पेपर हैं, बीम के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको डेली मैं दे रहा हूँ, डेली आप कर रहे हो, डेली आपकी गलती को सही कर रहा हूँ, मैं डेली चेक कर रहा हूँ आपका, डेली पोर्टफोलियो बनवा रहा हूँ, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनवा रहा हूँ। ये सारा जो एक्स्ट्रा काम होता है गाइड करने का 4 महीने का, मैंने बताया ना वो जिम का जो गाइड होता है, उसी तरीके से मेरा भी काम रहेगा आपके रोल में, ठीक है। जो आपने ऐप में देखा हुआ है वहां पर आपको सारा कुछ खुद से करना है, ठीक है, यहाँ पर सारा आपको मेरे गाइडेंस से करना है। नो डाउट इसमें ज्यादा बेनिफिट होने का चांस इसलिए है क्योंकि मेरा खुद का 8 साल का बीम का खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। हम लोग बीम के भी प्रोजेक्ट लेते हैं, स्ट्रक्चर्स के भी प्रोजेक्ट लेते हैं, तो उनका भी आपको प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो बहुत काम देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, यहाँ पर सहवाज का, सहवाज बोल रहे हैं सर आफ्टर कंप्लीशन द कोर्स हाउ मच पैकेज, बता दिया मैंने तो, ठीक है। राहुल यादव बोल रहे हैं कि सर लाइव कॉल होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी क्या? यस यस, लाइव की भी रिकॉर्डिंग मिलती है, प्लस जो रिकॉर्डिंग रहता है वो अलग तो मिलता ही है, ठीक है। तो
तो लाइव की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डज एआई पोज द रिस्क ऑफ द बीम इंजीनियर्स वी आर डिपेंडिंग? नो, बी में कई ढेर सारे डोमेन है अदनान, ठीक है? तो एक डोमेन नहीं है केवल कि आप जिसमें सिर्फ एआई आपको इफेक्ट करेगा, बीम में कई ढेर सारे डोमेन है। बीम मॉडलर है, ठीक है, बीम टेक्नीशियन है, बीम इंजीनियर है, बीम कोऑर्डिनेटर है, बीम मैनेजर है, बीम स्पेशलाइजेशन वाला है, ठीक है, बीम डेवलपर है, कई ढेर सारी प्रोफाइल है। तो इफेक्ट तो करेगा हर प्रोफाइल को, बट इतना भी नहीं करेगा कि आपको कुछ दिक्कत हो, ठीक है? चलिए आप कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ से, जैसे कि संजय कुमार साहू का क्वेश्चन ले लेते हैं। यस संजय, बताइए। संजय अपना माइक ऑन कर लीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है पूछ लीजिए। संजय आवाज नहीं आ रही आपकी, ठीक है? तब तक मैं सौरभ का लेता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि पता नहीं क्यों संजय आपकी आवाज नहीं आ रही, हो सके तो टाइप कर दीजिए। सौरभ गुप्ता कोई क्वेश्चन है? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलो ना। सर क्वेश्चन ये है कि सर आपने बताया कि पर डे 5 आवर्स टाइम देने पड़ेंगे सर, यस तो सर आई एम इन द जॉब राइट नाउ, तो सर ये हाउ कैन आई मैनेज 5 आवर्स पर डे? जॉब में आप देखो ये बताया कि जॉब में हो तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? इसमें 1.5 घंटे, मुझे तो तुम 1.5 घंटे ही टाइम देने वाले हो, ठीक है? बट जो 1.5 घंटे रिकॉर्डेड है उसको तुमको वॉच करना पड़ेगा। अब तुम चाहे वो रास्ते में कर रहे हो, ऑफिस में कर रहे हो, जहां मन करे वहां कर सकते हो। तो 1.5 घंटे वो प्लस 2 घंटे, ये 5 घंटे फ्लेक्सिबल है तुम्हारा, ठीक है? तो इसमें क्या बोलते ओके हैं, तुम क्या कर सकते हो कि घर पे बैठे हो, ठीक है, ऑफिस से आ रहे हो, ट्रेवल किससे करते हो, बाइक से जाते हो ट्रेवल ऑफिस, ठीक है? सर, बाइक बस दोनों से बस, सर ठीक है, अगर बस से मतलब जा रहे हो डिपेंड तो करता तुम है सर। लेक्चर रिकॉर्ड ऑन है 1.5 घंटे का, बस में वॉच करते हुए निकल जाओ, ठीक है? तो वो 1.5 घंटा तो ओके तुम्हारा सर, वहां पर निकल गया। उसके बाद अब 1.5 घंटे मतलब केवल 1.5 घंटे नहीं, 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो रहता है, 1 घंटा 20 मिनट का रहता है ना, जी कभी 1 घंटा 45 मिनट का भी हो सकता है, कभी 90 मिनट का, कभी 30 मिनट का भी हो सकता है। तो डिपेंड ऑन क्लास। तो वो क्लास का तुम वहाँ वॉच कर सकते हो, घर पे तुम आके इवनिंग में प्रैक्टिस कर सकते हो, और अर्ली मॉर्निंग तुम्हारा आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हो, आके क्लास अटेंड कर सकते हो। 7 से 8:30 वाला ही फिक्स है कि यहाँ पर तुम्हें वॉच रहना पड़ेगा, बाकी तो तुम्हारे ऊपर फ्लेक्सिबल है, ठीक है? चलेगा। सोमेश बोल रहे हैं सर बीम डेवलपर ओके वाला, सर, थैंक यू। ओके जी, मोस्ट वेलकम, ठीक है? इसमें क्या होता है सोमेश, जब हाई लेवल पर आप जाते हो तो वहाँ पर पाइथन सीखना पड़ता है, स्क्रिप्टिंग होती है, स्क्रिप्टिंग के माध्यम से उस स्क्रिप्टिंग एपीआई डेवलपमेंट का काम होता है, जिसमें आप स्क्रिप्ट करते हो। जैसे कोई एक काम है, सपोज अभी जैसे मैं यहाँ पर होल करना है दीवार में, तो ये होल 1000 वॉल्स में करना है, तो इसके लिए स्क्रिप्टिंग लिखी जाती है। तो डेवलपर करते हैं आप डेवलपमेंट, जिसको आता है पाइथन वगैरह सीख के, तो वो आप इस तरीके से स्क्रिप्ट रेडी कर देंगे कि एक क्लिक करेंगे 100 होल्स एक साथ हो जाएंगे आपके, ठीक है, बहुत इजीली। ये सारी चीज़ें होती है जो कि थोड़े से एडवांस लेवल में जाओगे तब होता है आपकी जरूरत पड़ती है। ये टिकला के लिए भी एपीआई डेवलपमेंट होता है और रेबिट के लिए भी होता है, ठीक है? तीर्थ बोले सर अच्छे करियर के लिए मिनिमम कितने सॉफ्टवेयर आने चाहिए? अच्छे करियर के लिए आपको मिनिमम ऑटोकैड तो कंपलसरी है, रेबिट आना चाहिए, रेबिट के साथ आपको आना चाहिए टेकला, और टेकला के साथ आना चाहिए नेविस्वर। रेबिट, टेकला और नेविस्वर, ये 3 सॉफ्टवेयर सीख लिया तो आप बीम में अच्छे से करियर बना लोगे, और हमारा फोकस भी इन्हीं पर ज्यादा रहता है, ठीक है? बाकी सॉफ्टवेयर सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, किसी कंपनी ने पूछा तो आप बता सकते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई यहाँ पर सुहेल खान जी का। सर टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग जैसे आप सो के उठते हो, अर्ली मॉर्निंग 7 to 8:30 रहेगा आपका, ठीक है? वीडियो कितने महीने तक अवेलेबल होगा, ठीक है? वीडियो हमने लाइफ टाइम कर रखा है, लाइफ टाइम का भी एक समय होता है, 10 ईयर्स होता है, बट 10 ईयर में तो तुम बूढ़े हो जाओगे यार, ठीक है? मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तुम बूढ़े हो जाओगे, ठीक है? हाँ, तो मतलब 10 ईयर्स के लिए रहता है, टेंशन नहीं है, आराम से खान जी, ठीक है? तो अच्छा अशोक जैन जी, ठीक है, तो 10 ईयर्स का रहता है वो, और कोई टेंशन नहीं। ग्रुप का सर लिंक शेयर कर देना, ऐड होना है ग्रुप में, ओके। कैसे कर सकते हैं ग्रुप का लिंक शेयर, अभी पॉसिबल है क्या यार? मेरे को नहीं समझ आ रहा कैसे, किसी के पास ग्रुप का लिंक है क्या गाइस? मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे अभी शेयर करूँ इसको, ठीक है? नहीं हो सकता अभी, तुम लोग को मैसेज करना पड़ेगा। मेरी टीम में से किसी का भी तुम्हें मैसेज कॉल आया होगा तो उनको बोल देना, ऐड कर देंगे वो, ठीक है? चलो, और किसी को डाउट है, किसी को कुछ भी डाउट है पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? दिलीप सिंह पूछना चाह रहे हैं, आई थिंक दिलीप शायद क्लास में है भी, मुझे लगता है ऐसा शायद। यस दिलीप, गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग दिलीप। सर मेरा एक सिंपल सा डाउट है कि हम डिजाइन के रिगार्डिंग कुछ सीखेंगे क्या स्ट्रक्चर में? ये डाउट मैंने मैसेज में भी टाइप किया था। ओके ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली स्ट्रक्चर कंसल्टेंट वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है?
स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स जो होती है जो बीम के अंदर आती है वो डिटेलिंग करेंगे, 3D स्ट्रक्चर डिटेलिंग जो कि हम लोग रेविट स्ट्रक्चर्स के अंदर करते हैं और टेक्ला स्ट्रक्चर्स के अंदर करते हैं, वो काम इसके अंदर करेंगे। स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर एनालिसिस एक पूरा एक अलग डोमेन है, उसकी एक ट्रेनिंग होती है पूरी खतरनाक वाली, ठीक है। वो 4 महीने का एक अलग इंटर्नशिप चलता है वो, ठीक है। उसको तो आपको पूरा 4 महीना अलग से लगाना पड़ेगा, इसमें आपको सोम का नॉलेज, RCC का नॉलेज, फिर उसके बाद स्टैट प्रो, ई टेप्स, मैनुअल, एक्सेल, पूरा एक अलग दुकान है वो, ठीक है। यहाँ पर टिकला स्ट्रक्चर्स और रेवी स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, जिसमें डिटेलिंग्स करेंगे, कनेक्शंस करेंगे, ठीक है, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग्स करेंगे, लैपिंग वगैरह का, BVS वगैरह निकालेंगे पूरा, ये सारा काम सीखेंगे यहाँ पर, क्लियर? जी सर, पर सर जनरल साइजेस के बारे में आइडिया तो मिलेगा ना? यस यस यस, वो मैं थंब रूल बता दूंगा कि कॉलम कितने साइज का है, तो मैं इतने देर से हम लोग कर रहे हैं तो आइडिया पूरा, तो हम आपको थंब रूल बढ़ा देंगे। कॉलम का ओरिएंटेशन क्या चाहिए, कॉलम का साइज कितना होना चाहिए, बीम का ओरिएंटेशन, बीम का डेप्थ कितना होना चाहिए, बीम का वेथ कितना होना चाहिए, स्लैब का डेप्थ कैसे होना चाहिए, स्लैब को कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्लैब में रेनफोर्समेंट कैसे लगाएंगे, ये सब तो मैं पढ़ा ही देता हूँ, ठीक है। यही तो बेनिफिट है लाइव जी सर, क्लास का, थैंक यू सर, ठीक है, चलेगा। ओके, और थैंक नेक्स्ट यू क्वेश्चन, सर। ओके जी, मोस्ट वेलकम। साहू जी पूछ रहे हैं, शायद ये साहू का क्वेश्चन है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, लेकिन आपका कुछ आवाज नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों साहू जी। और राहुल यादव, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है पूछ लो। और सक्सेस कंस्ट्रक्शन को BIM 360 के बारे में बता देता हूँ। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम अपना ऑफिस करना चाहें डिजाइनिंग के लिए, जैसे किसी के जो प्लान वगैरह बना के देने होते हैं, उसमें काम आएंगे सॉफ्टवेयर? तो बात हुई थी क्या मेरे से? मैं फोन पे नहीं किया था सर, मैंने मैसेज किया था आपको कि मैं फिलहाल साइट पे काम कर रहा हूँ। मैं देख नहीं पाया होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन तुम्हारा बहुत अच्छा है। देखो इसके लिए तुम्हें ना क्या बोलते हैं, अगर तुम अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हो, डिजाइन का करना चाह रहे हो ना, जी सर। इसमें तुम्हें दो चीजों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एक होता है स्ट्रक्चर्स का नॉलेज होना चाहिए, एक होता है बीम का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जी सर। बीम के नॉलेज से काम मिलेगा कैसे भाई, सीधी सीधी बात है, कस्टमर आएगा, मॉडल जी दिखाओगे, हैप्पी होगा, जी वो यस सर। दिखाओगे, इम्प्रेस होगा, है ना, ठीक है। बीम तो आना चाहिए, उसके साथ प्लानिंग आना चाहिए, वो तो हम सिखाई देंगे। ये दोनों सीख के तुम्हारा दुकान तो चलने लगेगा, दुकान मतलब अपने भाषा में, नारोल भाषा में, ठीक है। जी और उसके बाद अब इस काम को करने के लिए, बेहतर तरीके से करने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा स्ट्रक्चर का नॉलेज। उसके लिए तुम्हें जी स्टैटो या फिर ईटैप सीखना पड़ेगा, तो उसका एक अलग इंटर्नशिप चलता है, तुम कभी फ्यूचर में सीख सकते हो। अभी फोकस करो कि हम काम को ले कैसे, क्योंकि काम को जी करने वाले तो बहुत है दुनिया में, जी ठीक है। तो काम को लेने के लिए तुमको बी मॉडल बहुत हेल्प करने वाला है। और सर जो क्लासेस होगी जो सुबह से 7 से 8:30 होंगी, वो सर क्या होगी, मेरा साइट का टाइम है 8 AM का, तो क्या मैं उनको रिकॉर्ड भी ले सकता हूँ बाद में? कैसे होता है कि मेन जो क्लास रहेगी वो 7 से 8 ही रहेगी। नहीं सर, मेरे को जाना होता है ना घर से, 1 घंटा लगता है जाने में, लिए 8 बजे साइट का टाइम है। तब तुम्हारा नुकसान होगा, तब तुम वेट कर लो नेक्स्ट बैच का, ठीक है। जिस सर से कांटेक्ट किया होगा तो उनसे पूछ लेना नेक्स्ट बैच का, अभी डेट नहीं अनाउंस हुआ है फिलहाल, जहाँ तक चांस है कि 20 अगस्त के आसपास मुझे लग रहा है कि होगा वो, ठीक है। तो उसमें तुम इनरोल कर लेना, इसमें मत करो, ठीक है। इसमें करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, पता चला अगर तुम 1 घंटा भी नहीं अटेंड कर पा रहे हो तो प्रैक्टिस कब करोगे, है ना। नहीं सर, मैं जैसे अगर जो 7 से 8:30 की जो क्लास होगी लाइव, उसकी अगर रिकॉर्डिंग मिल जाए मेरे को, हाँ तो मैं उसको रात देख को लेना, कवर कर सकता हूँ उसको। ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बोल देना सर, बोल देना मैंने बोला है करने के लिए, कोई दिक्कत नेक्स्ट ओके बैच जब थैंक। यूनिंग में चलेगी, नेक्स्ट बैच जब यूनिंग में चलेगी तो उसमें जाके पढ़ना, जी। ठीक है। जैसे कि मान लो इसमें तुम कर रहे हो ऐसा, ठीक है, चलो ओके है, मैनेज कर लिया, बट नेक्स्ट बैच में यूनिंग में जाके पढ़ना, ठीक है, उसका कुछ ही नहीं रहेगा, उसमें जाके तुम पढ़ लेना, ठीक है। ओके थैंक यू सर। ओके, चलिए, क्रिकेट इंडिया से या फिर इंडिया क्रिकेट से या क्रिकेट इंडिया जो भी बोल दीजिए, क्वेश्चन पूछते हैं, इनका ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सर, मैं ITI और डिप्लोमा कर रखा है, तो ओके, सर BIM बेस्ट है कि और किस बारे? BIM का जो पहला प्रोफाइल होता है वो डिप्लोमा वाले के लिए बहुत एलिजिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हैं, आपको जो बी मॉड्यूलर की जॉब होती है वो मिल जाएगी आराम से, ठीक है, तो आप तो कर सकते हैं। सर जैसे सर बीम मॉडलर और कहीं बीम इंजीनियर और कहीं डिटेलर का जो प्रोफाइल होता है, तो सर ये सब क्या चीजें होती हैं? क्या चीजें होती हैं?
हाँ मतलब क्या काम होता है सबका, जो अलग अलग है, क्या क्या करते? ये अलग अलग प्रोफाइल्स है, ठीक है। सभी प्रोफाइल्स के अपने अलग अलग काम है, ठीक है। जैसे कि बीम मॉड्यूलर जो है उसका काम है मॉडलिंग करने का, ठीक है। बीम स्ट्रक्चरल मॉडलिंग मॉड्यूलर जो है वो स्ट्रक्चर की डिटेलिंग्स करेगा, कॉलम बीम फुटिंग में रेनफोर्समेंट लगाएगा, उनको साइजेस देगा, ये सब काम करेगा। जो बीम कोऑर्डिनेटर है वो चेक करेगा कि ये सही स्ट्रक्चर वाला किया है कि नहीं, एमईपी वाला। सबके अलग अलग काम है जो कि पूरा बड़ा सा है। बस आसान भाषा में इतना समझो कि हर प्रोफाइल का काम अलग अलग है। तो तुम्हारा जो पहला प्रोफाइल होता है वो बीम मॉड्यूलर का होता है, वहां से करियर स्टार्ट होता है। तो मतलब सर जॉब जो लगेगी पहले बी मॉड्यूलर पे ही लगेगी, यस, बीम मॉड्यूलर पे ही लगेगी। से हम आगे बढ़ेंगे और सारे प्रोफाइल। करेक्ट, वो एक्सपीरियंस जैसे से होता जाएगा काम का, वैसे से तुम्हारा प्रोग्रेस होता जाएगा। बट मैं जो पढ़ाऊंगा वो बीम मैनेजर तक की चीजें पढ़ा दूंगा, क्योंकि तुमको बार बार तो हर हफ्ते हर महीने तो ट्रेनिंग नहीं लोगे ना। तो मैं जब ट्रेनिंग आपको कराऊंगा तो बीम मैनेजर तक के लिए जो एलिजिबिलिटी लगती है वो सारा कुछ 4 महीने में तुमको सिखा देंगे, तो इसीलिए सर तुम्हारा ये प्रोग्रेस जैसे होगा। जो मॉडलिंग वाली चीज है, करेक्ट, वैसे तो हम लोग में जैसे कि साइट वाले काम और पढ़ते हैं, किसी मॉडलिंग के बारे में आइडिया नहीं रहता कि कैसे कैसे डिजाइन करना और क्या करना है, ये सारी चीजें वही तो मैं आर्किटेक्ट सीखने आऊंगा। वाले देखते हैं। देखो इसमें क्या बोलते हैं, जो एसी इंडस्ट्री है, ठीक है। एसी इंडस्ट्री के अंदर आर्किटेक्ट भी काम करता है, सिविल इंजीनियर भी काम करता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर भी काम करता है, मैकेनिकल वाला भी करता है, इलेक्ट्रिकल वाला भी करता है। सबका कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। तो इसमें सबकी जरूरत है। इसमें मैकेनिकल वाला भी काम करेगा, इलेक्ट्रिकल वाला भी काम करेगा, स्ट्रक्चर वाला करेगा, सिविल करेगा, आर्किटेक्ट करेगा, सबके प्रोफाइल्स का काम है इसमें। इसके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है कि BM 360 क्या होता है। तो BM 360 एक ऐसा क्या होता है, सॉफ्टवेयर का बग है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, सभी को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं राहुल ऑस्ट्रेलिया में है, और दिलीप जो है वो यूके में है, और इंग्लैंड में संजय जी हैं, सर्वेश हैं किसी दूसरे कंट्री में। अब और ये सारे अलग अलग जगहों पे हैं, प्रोजेक्ट एक है, ठीक है। तो अगर आपके पास BM 360 का एक्सेस है, BM 360 का एक्सेस है, तो उसके माध्यम से ये सारे के सारे एक ही मॉडल पे कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे, मैं हेड हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने सबको लॉगिन कर लिया कि भाई सब लोग हैं, मॉडल खोल दिया। अब सभी लोग अपने अपने मॉडल पे काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए राहुल इलेक्ट्रिकल वाले हैं, और दिलीप जो है मैकेनिकल वाले हैं, सिविल वाले संजय हैं, ठीक है, और डिटेलिंग वाले सर्विस हैं जो स्ट्रक्चर वाले हैं। तो ये अब जिनको जो जो काम दिया गया है, ये सारे काम एक एक लोग बैठ के आराम से कर सकते हैं, और करके जैसे वहाँ पर रिफ्रेश करते जाएंगे मुझे दिखता जाएगा, और इनके सारे पार्टनर्स को दिखता जाएगा जो जो लोग कनेक्टेड हैं। ये तो बस शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत बड़ा है इसके पीछे, ठीक है। इसके पीछे ऐसा है कि जितना काम कर रहे हो उसको कैसे अपडेट करेंगे, रेविट से कैसे कनेक्ट कर देंगे, कितना कॉस्ट आ रहा है। मैं चाहूँ तो मैं अपने किस एम्प्लॉय को चाहता हूँ कि ये एम्प्लॉय पूरा डिटेल देखे, वही एम्प्लॉय वो पूरा डिटेल देख पाएगा। बाकी को मैं ब्लॉक कर सकता हूँ कि ये लोग ये ना देख पाए, ये मेरे सीक्रेट फाइल्स हैं, केवल इतने लोग देख सकते हैं। ऐसे करके मेरे 10 कंपनियां हैं, तो एक कंपनी का फाइल पूरा अलग चल रहा है, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, चौथे का अलग। तो ये पूरा एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है। आसान भाषा में इतना समझो कि कई लोग एक फाइल के ऊपर काम कर सकते हैं, तो एक तरीके से क्लाउड की तरह काम करता है ये, ठीक है जी। चलिए संजय, आप प्रयास कर लीजिए अपने माइक का, अगर आपने एड्रेस किया है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड सर, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ सर। सॉरी, तो मेरा टेक्निकल अच्छा नहीं है सर। ओके, तो मुझे टेक्निकल पे भी फोकस करना चाहिए या इस पे दोनों मतलब ये करना पड़ेगा इसके लिए जॉब के लिए सर? आपका पास आउट ईयर क्या है? मेरा 24 में हो जाएगा सर। अभी मैं मेरा 7th सेम चलेगा, चालू होगा, 6th सेम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, माइक बंद कर दो, तुम्हारा इको आ रहा है। यस, ठीक है। जो तुम्हें प्रैक्टिकली लगेगा थ्योरी, जितना कॉन्सेप्ट की जरूरत है, वो सारे कॉन्सेप्ट का मैं खुद प्रोवाइड करूंगा सारा कंटेंट, ठीक है। शर्त बस इतना होगा कि जितना लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हो सकता है वो 5 घंटे में कर लेगा या 4 घंटे में कर लेगा, और तुम्हारा हो सकता है 6 घंटे लग जाए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं दूंगा, क्योंकि मेरे पास सारा नोट्स रखा हुआ है, ठीक है। तो जितना मैं आपको दे दूंगा उतना आप पढ़ लेंगे, आपका आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जिसको भी कांटेक्ट करना रहेगा, ये देख लो, मैं अपना कांटेक्ट नंबर यहाँ पर व्हाट्सएप पर डाल दे रहा हूँ। जिसको अपनी सीट फिक्स करनी रहेगी गाइस, अपना सीट फिक्स कर लेना, और क्या बोलते हैं, करके 25 तारीख से अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से फ्रेश माइंड से बैठ लो। 4 महीने में से केवल 2 से 2.5 महीना स्टार्टिंग में अगर अच्छा से कर दिया ना, तो आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी जॉब लग ही जाती है, देर आर बिग चांसेस। और नहीं भी लगती है
तो उसके आगे और भी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी एक करके क्वेश्चंस ले लेते, थोड़े से क्वेश्चन पड़ गए हैं सबके, मैं चाहता हूँ सबके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकल के आए, ठीक है। तो हु सॉरी सर, हु विल अर्न द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बीम इंजीनियर सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, तो भाई गूगल करके देख सकते हो, मैं क्या बोलूँ, ठीक है। पैसे के पीछे लालच मत बढ़ाओ ज़्यादा, ठीक है। पैसा ज़्यादा मिलता है जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, ये तो सर्वाइवल कंडीशन होती है जॉब पे, ठीक है। सहजान सहबाज पूछ रहे हैं कि सर मैं सर मैंने मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, बट अभी मुझे किसी ने ऐड नहीं किया ग्रुप में। अरे तो सब लोग तो ग्रुप में यहीं पर होंगे ना यार, अभी क्लास इन करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ मैसेजेस होंगे, उसमें से आपका मैसेज देखते ही जरूर करेंगे, ऐसा कोई इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है। और इग्नोर कोई करता भी नहीं है, बट कैसे होता है नंबर जब मैसेज के बढ़ जाते हैं तो मैं खुद ही नहीं देख पाता हूँ, सुबह से जितने मैसेज रहते हैं, क्या करो सर। आर वी गोइंग टू फॉलो द रिटेनिंग कोड? यस यस, वी आर गोइंग टू फॉलो नॉट ओनली द इंडियन कोड, वी आर गोइंग टू फॉलो द ब्रिटिश कोड ऑल्सो, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं है। हु विल अर्न द, बता दिया भाई, एक क्वेश्चन को दो तीन बार क्यों लिख रहे हैं सर? स्ट्रक्चर इंटर्नशिप की तरह का इस तरह का डेमो स्ट्रक्चर होगा, कब होगा? जब स्ट्रक्चर इंटर्नशिप स्टार्ट होगा तो होगा, अभी मेरा पूरा स्लॉट बुक चल रहा है तो इसलिए अभी तो नहीं होगा, ठीक है। एटलीस्ट 1-2 महीने तो नहीं होने वाला, 1 महीने तो फिक्स है नहीं होने वाला। बीम इंजीनियर मिनिमम पैकेज क्या होगा? मिनिमम पैकेज मैंने आपको बताया कीर्ति, पैकेज तीन तरीके से होते हैं। पैकेज अगर आप किसी एमएनसी के अंदर कर रहे हैं आप, तो 25+ तो रहना ही रहना है एमएनसी में, क्योंकि उनका टर्न ओवर ज़्यादा होता है तो उनके पैकेज ज़्यादा ही रहेंगे, ठीक है। अगर किसी आप मिड लेवल कंपनी में कर रहे हैं तो आपको 20+ रहेगा, ये फिक्स है। 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 24.5 भी हो सकता है। और अगर आप किसी स्मॉल स्केल कंपनी में काम कर रहे हैं तो 15 के ऊपर ही रहने वाला है। तो 15 के ऊपर कितना हो सकता है? 16, 17, 18, 20, जितने भी आप हो सकते हैं, इसके बेस पे रहता है। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कितनी बड़ी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक होता है। अब उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है आपके कम्युनिकेशन का भी, ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप अच्छी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करोगे, कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है तो फिर आप छोटे कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करोगे, तो उसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। और किसी का कोई डाउट है? ठीक है, विनोद को शायद बोलना चाह रहे हैं। यस विनोद, बोलो। ठीक है सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आई क्लास ऐप में होगी या गूगल मीटिंग? ऐप में होगी, सारी क्लासेस ऐप में होंगी। पहली क्लास गूगल मीट पे इसलिए करेंगे क्योंकि ऐप में कनेक्ट कैसे होना है ना, तो थोड़ा सा लोगों को प्रैक्टिकली होने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम जाती है। तो पहली क्लास तो हम ऐप में गूगल मीट पे कर देते हैं। कभी कभी लगा कि अच्छा दूसरी क्लास भी ऐप पर ही कर, इस पे गूगल मीट पे ही कर देते हैं, तो ये कर देते। बट सबकी रिकॉर्डिंग तुमको मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद की जो सारी क्लासेस चलने वाली है वो तो हमेशा ऐप पर, क्योंकि ऐप में रिकॉर्डिंग तुरंत आ जाती है ना। जैसे क्लास हुआ 30 मिनट में रेंडर होता है, हार्डली 30-35 मिनट में रिकॉर्डिंग आ जाती है। तो ऐप में ही करेंगे सारी क्लासेस। कभी जैसे इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू गूगल मीट पे करते हैं, इसमें आसान होता है क्योंकि इसमें क्या होगा कि तुम्हें कुछ स्क्रीन पर दिखाना है तो ये दिखा सकते हो, ऐप में ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐप में तो हम ही दिखा पाएंगे ना। तो फीचर्स के अकॉर्डिंगली डिपेंड करें, बट मैक्सिमम जो ओवरऑल क्लास है वो ऐप पर रहेगा। ओके थैंक यू सर, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई तेजस का है, तेजस क्वेश्चन, ठीक है। तेजस से पहले सर, पुरानी सैलरी पर कितने परसेंट का हाइक मिलता है? 20-30% का हाइक मिल सकता है, हार्डली अगर आप अच्छे परफॉर्मर है तो 30% का मिल जाता है। तेजस बोल रहे हैं सर बी कम करने के बाद बीम करूं या नेक्स्ट टू नेक्स्ट 5 ईयर में अप्रॉक्स कितना पैकेज आ सकता है? स्लाइटलिंग कंप्रेशन विद, अगर आप क्या बोलते हैं मेरे गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर आप 5 साल अपने करियर को बिल्ड करते हो तो 1 लाख के ऊपर रहोगे, फिक्स है, मेरी गारंटी है पर मंथ। लेकिन जैसा मैं गाइड करूंगा, जो मैं अपग्रेड करने के लिए बोलूंगा, वो अपग्रेड करते रहोगे 1 साल के अंदर, सॉरी 5 साल के अंदर आप 1 लाख के ऊपर हो सकता है 1,20,000 पर रहो, 1,30,000 पर रहो, हो सकता है 1.5 लाख पे भी रहो। दैट इज डिपेंड ऑन योर हाउ मच यू पुट योर एफर्ट। 1 लाख के तो ऊपर पहुंचा दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ 5 साल में, लेकिन जितना मैं बोलूँ उतना अपग्रेड करते रहो, ठीक है। मार्केट में सीधी सीधी बात है, देखो पैकेज किस पे डिपेंड करता है पता है? कंपनी के टर्नओवर, कंपनी कितना हाई टर्नओवर कर रही है। अब जो जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ज़्यादा टर्नओवर डिपेंड करेगा, उसके बेस पे उसका आपका पैकेज हो जाता है डिसाइड, ठीक है। लैपटॉप कौन सा सही रहेगा? लैपटॉप इसके लिए मैं जो यूज़ करता हूँ एचपी पवेलियन यूज़ करता हूँ, राइजन का मेरा 7 है, बट आप 5 भी रखोगे तो चलेगा। और 8 GB रैम, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड मिनिमम है, 16 है तो और मज़े हैं, 32 है तो और मज़े हैं, बट 8 के नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ग्राफिक्स कार्ड अगर आपके पास एनवीडिया का है, एएमडी का है, तो दोनों ही अच्छे हैं, इंटेल का नहीं चाहिए। इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है रेंडर के सॉफ्टवेयर में, फिर वो काम चलाने वाला काम हो जाता है। और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, कुछ भी डाउट है आराम से रिलैक्स होकर पूछ लो, ठीक है, क्योंकि आज तो संडे है, वैसे भी मैं मेरे को कोई आज टेंशन नहीं है, आपको भी कोई टेंशन नहीं क्योंकि संडे है,
चलिए, लगभग मैंने सबके ही डाउट्स क्लियर कर दिए। आपका जो सिलेबस है आपके ग्रुप में आ जाएगा, जिस जो लोग ग्रुप में नहीं कनेक्ट हैं वो लोग मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया, कनेक्ट हो सकते हैं, मैं कनेक्ट तो कर दूंगा। और उसके बाद जो भी आपका डिसीजन है, व्हाट्सएप ग्रुप में कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, किसी को कोई पर्सनल क्वेश्चन रहेगा तो पर्सनल पूछ लेगा। क्या होता है ग्रुप में आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कुछ और, दूसरा कुछ और समझ जाए, इससे बेहतर है कि आपका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रहेगा तो पूछ लेना, मेरी टीम से पूछ लेना, जो डाउट रहेगा तो मेरे से ही बात कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए सबको शुभ रात्रि। होप थोड़ा बहुत तो भीम के बारे में पता चला होगा। ठीक है, इंटर्नशिप करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इंटर्नशिप तो चलो कुछ लोग ही करेंगे, क्योंकि मैं 30-35 से ज्यादा सीट में बच्चों को नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे सबका असाइनमेंट चेक करना है। ठीक है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, बट एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि यार बीम नाम की एक ऐसी चीज है जिसमें आप बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हो, बहुत अच्छी सैलरी भी ले सकते हो और एक अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हो। अब ये टेंशन नहीं है कि यार शादी हो गई, साइट पर कैसे मैनेज करूँ, साइट आउट में है, रूम कहाँ पर लूँ, कितने बजे आ रहा हूँ, कितने बजे आ रहा हूँ, लड़ाई हो रही है घर पे, वो टेंशन नहीं है। ठीक है, ये टेंशन नहीं है कि आप किसी मेट्रो सिटी में नहीं, आप इसमें हर किसी मेट्रो सिटी में रह सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं, दुबई से जा सकते हैं, USUK जा सकते हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स भी आपके बहुत ढेर सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बैच अगस्त में है, तो अगस्त में अभी डेट नहीं फिक्स है, तो डेट में फिक्स होने के कई रीजंस हैं। तो रीजंस ऐसे हैं कि मेरे को घर जाना है, घर पे मुझे देखना पड़ेगा कितने बजे कैसे नेटवर्क वगैरह का क्या रहता है, उसके हिसाब से अर्ली मॉर्निंग हर जगह नेटवर्क अच्छा रहता है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग्स तो मेरे को बेस्ट लगता है। सुबह सुबह उठा फ्रेश माइंड से, कंटेंट भी बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है, सबसे ज़्यादा आप फ्रेश रहते हो, आपके क्वेश्चन के आंसर फ्रेश फ्रेश रहते हैं। कई लोग सोचेंगे सर मैं नींद से उठता हूँ, आपकी आदत सही हो जाएगी। ठीक है, चलो किसी का कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं? ठीक है, मस्ती करके देखो पढ़ना होता है, देखो पढ़ने के लिए ना बहुत एकदम से सीरियस हो गए तभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्यों? क्योंकि उस चीजें भी समझ नहीं आएंगी ज्यादा वो करोगे तो। थोड़ा दूर से देखो और बस क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी से देखो। ग्रुप का कब स्टार्ट होगा? स्ट्रक्चर्स के लिए भी टाइम लगेगा, लगभग अगस्त के बाद सितंबर में जाएगा। ठीक है, सितंबर में स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, अगस्त में तो मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ चांस, हो भी सकता है ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वो कैसे डिपेंड करता है, जैसे कोई बैच खत्म हुई उसका स्लॉट फ्री हो गया तो फिर लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब बैच फिक्स होने का मेरा टाइम नहीं रहता सही तरीके से बताऊँ तो, क्योंकि बैच में तब तक पढ़ाता हूँ जब तक मुझे लगता है कि बच्चों को अभी और भी डाउट है, और भी डाउट है, तब तक मैं चलाता रहता हूँ। ठीक है, सिलेबस में 4 महीने में खत्म कर दूंगा, ये मेरा काम है। ठीक, चलिए, विश ऑल द वेरी बेस्ट, होप आप लोग अपना लाइफ में कैरियर बनाए, BIM के अंदर बहुत अच्छा है। ठीक है, किसी से भी सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको मेरे से ही सीखना है, बहुत अच्छे अच्छे लोग सिखा रहे हैं। प्रैक्टिकल चीजें सीखना, आसान भाषा में सीखना, बहुत हवा वाली बाजे वाले मैं लैंग्वेज बात नहीं करता हूँ, बहुत आसान भाषा। मिडिल क्लास आदमी हो तो मिडिल क्लास की तरह बातें होती है, मिडिल क्लास का एग्जाम्पल रहता है। ठीक है, और आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग कि आप आसान भाषा में सीखो और सीख के क्या बोलते हैं अच्छे तरीके से अपने कैरियर को डेवलप करो। मेरी तो गारंटी है कि अगर आपने मुझे 4 महीना 100% दिया तो मैं सफल बना दूंगा, लेकिन वो 4 महीना करना भी बड़ा सबके मुश्किल है। ठीक है, और कम्युनिकेशन के लिए मैं मॉक इंटरव्यू रखता हूँ, इसके अलावा और एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन बहुत वीक है आपकी, तो हम क्या बोलते हैं हमारा एक अलग डोमेन है उसमें, स्किल्स गुरुकुल में। ठीक है, आपको एक इंग्लिश की कम्युनिकेशन क्लास चलती है जिसका बहुत नॉमिनल फी है, 500 पर मंथ का फी रहता है आप लोगों के लिए, गुरुकुल वालों के लिए 500, बाकी लोगों के लिए 3000 फी होता है, आप लोगों के लिए 500 रहता है, बट वो कंपलसरी नहीं है, जिसका मन करे, जिसका कम्युनिकेशन बहुत वीक है वो लोग उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो क्लास भी लगभग मुझे लगता है 25-30 5 तारीख के आसपास से वो नई बैच की भी स्टार्ट होगी। ठीक है, कम्युनिकेशन की, बट वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है, बाकी बच्चों के लिए उसकी 3000 फी रहती है, आपकी केवल 1500 रहती है, क्योंकि आप ऑलरेडी गुरुकुल में हो तो बस वहाँ पर क्या होता है कम्युनिकेशन पूरा 3 महीने का पूरा इंटर्नशिप उसका भी रहता है, बहुत मस्त। ठीक है, बट नॉट कंपलसरी, जिसका वीक है उसको पड़ेगा, मैं बता दूंगा किसका वीक है जब मैं मॉक इंटरव्यू लूंगा, तो पहले मॉक जो 25 तारीख को मैं बता दूंगा किसको जरूरत है कम्युनिकेशन की क्लास कहीं लगाने की, किसको नहीं है, क्योंकि आपके इंट्रोडक्शन से ही आइडिया लग जाता है कि आपको क्या जरूरत है क्या नहीं। ठीक है, चलो जी, किसी और को कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना, डाउट तो नहीं है कुछ? ठीक है, आपका सिलेबस आपके ग्रुप में आ जाएगा, जिसको ग्रुप जो ग्रुप में ऐड नहीं उनको इंडिविजुअल भी चला जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ इंडिविजुअल भेजने के लिए बोलता हूँ अगर चला गया तो। ठीक है, चलिए जी, सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, होप आपने एंजॉय किया होगा।